जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वन चारी। यमुना तीर वन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारे। 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 राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। जय श्री श्री राधा माधव। राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय शोभा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। गौरनुताय जय गौरनुताय गौरनुताय जय गौरनुताय। गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। संकीर्तन की ग्रंथराशिद भागवतम महापुराण की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे
गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय आठ श्लोक क्रमांक 19। आप सब भक्तों का श्रीमद्भागवत कथा के षष्ठ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है त्रितापनाशिनी भगवत प्रेम प्रदायिनी परम मंगल भगवान कृष्ण की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। सत्संग में बैठकर भक्तों के बीच में बैठकर भगवत कथा का श्रवण करना ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ है और दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। संसार के लोग अनेकों जगह पर सुख ढूंढते हैं परंतु वास्तविक सुख भगवत कथा और भगवत सत्संग में है। सुखदेव गोस्वामी ने भी कहा और रामायण में भी कहा गया, जब हनुमान जी महाराज सीता को ढूंढने के लिए समंदर को लांघकर लंका में पहुंचे और जैसे ही लंका में प्रवेश करने गए तो लंका के द्वार पर एक राक्षसी खड़ी थी जिनको लंकिनी कहते हैं। मशक समान एक सूक्ष्म मच्छर के समान रूप धारण करके हनुमान जी महाराज प्रवेश करने जा रहे हैं परंतु उस लंकिनी ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? हनुमान जी ने कहा राम कार्य के लिए जा रहा हूं, माता जी मुझे जाने दीजिए। लंकिनी ने कहा नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी महाराज ने निवेदन किया कृपा करो जाने दो, राम कार्य के लिए जा रहा हूं। लंकिनी ने कहा तेरे जैसे चोर यहां पर दिन में सैकड़ों आते हैं और मेरे मुख का भोजन बन जाते हैं, अभी इसी वक्त यहां से वापस चला जाने तो खा जाऊंगी। जब लंकिनी ने हनुमान जी को चोर कहा तो हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया, बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तेरे घर पर है, जगत जननी माता सीता भगवान की पत्नी को चुरा कर लाया है और तू मुझे चोर कह रही है। तुरंत हनुमान जी महाराज आक्रोश में आए, क्रोध आया और एक मुष्टिका लगाई, उस लंकिनी को खून की उल्टी हो गई और उसी स्थान पर गिर गई। लंकिनी की मृत्यु हो गई और मरते समय लंकिनी ने जो कहा है अद्भुत,
तात स्वर्ग अपवर्ग धरी तुला एक अंग। वो कहती है तात मोर अति पुण्य बहुता, निश्चित मैंने पूर्व जन्म में बहुत बहुत पुण्य किए होंगे, तब जाकर हे हनुमान जी आप जैसे संत का दर्शन हुआ, आप जैसे साधु का मुझे दर्शन हुआ। मरते मरते लंकिनी ने ये कहा, आप जैसे महात्माओं का दर्शन हुआ, निश्चित मैंने बहुत पुण्य किया होगा। भगवान रामचंद्र भी कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहीन संता, पुण्य के पुंज के बिना सत्संग नहीं मिल सकता है। तो मैंने बहुत पुण्य किया होगा महाराज कि आप जैसे संत का दर्शन हुआ, आप जैसे संत का संग हुआ। क्योंकि इस संसार में तराजू के एक पात्र में इस दुनिया का सारा सुख रखा जाए, स्वर्ग का सुख रखा जाए और उसी पात्र में मुक्ति का सुख रखा जाए और तराजू के उस दूसरे पात्र में सत्संग की आधी घड़ी का सुख रखा जाए, तराजू को उठाया जाए तो पृथ्वी का, स्वर्ग का, मुक्ति का सुख तुच्छ हो जाएगा और सत्संग की आधी घड़ी का सुख भारी हो जाएगा। सत्संग का अद्भुत सुख है भक्तों। भगवान को स्तुति करते हुए ध्रुव महाराज ने भी कहा, जब भगवान विष्णु ध्रुव महाराज की तपस्या से प्रसन्न हुए और कहने लगे ध्रुव जो चाहिए वो मांगो। हरिभक्ति सुहोदय में लिखा है ध्रुव महाराज ने कहा कि हे प्रभु, ईमानदारी से कहूं तो मैं अपने घर से निकला था बहुत बड़े राज्य की खोज में। स्थाना बिलाशी तपसी स्थितो हम, हे प्रभु स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम, मैं यहां पर तपस्या किया स्थान की अभिलाषा से। मुझे मेरे बाप उत्तानपाद, उनके बाप मनु, उनके बाप ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए था, इसलिए मैंने तपस्या किया। लेकिन प्रभु आपकी तपस्या करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया और आज मेरे हृदय में कोई कामना नहीं है, किसी भी प्रकार की कामना नहीं। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कुछ तो मांगो ध्रुव, कुछ तो मांगो। ध्रुव ने नहीं मांगा। ध्रुव ने यही कहा, क्वाचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्ति वरम न यांचे। प्रभु मैं घर से निकला था राज्य की खोज में, अर्थात टूटे हुए शीशे के टुकड़े की खोज में निकला था और जब यहाँ पर आया तो आपके दर्शन रूपी हीरा मिल गया। प्रभु अब जिसको हीरा मिल जाता है वह कांच का टुकड़ा कैसे मांग सकता है। प्रभु आपकी भक्ति मिल गई, आपका दर्शन मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ध्रुव एक काम करो, स्वर्ग तो मांगो। बोले स्वर्ग भी नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज कहते मैं मानता हूं स्वर्ग में सुख है, तेतम भूतवा स्वर्ग लोकम विशालम, स्वर्ग में अनंत प्रकार का सुख है, लेकिन क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, एक न एक दिन तो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर वापस ही लौटना पड़ता है। और स्वर्ग में बेटर फैसिलिटी का उपभोग करके जब आदमी पृथ्वी पर गिरता है तब उसे बड़ा कष्ट होता है। स्वर्ग नहीं चाहिए। प्रभु बस आपको देना है तो आशीर्वाद दीजिए, आपके भक्तों के बीच में बैठकर सत्संग करता रहूं, आपके भक्तों के बीच में बैठकर आपकी कथा सुनता रहूं, आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान कहते हैं ध्रुव तुम जानते नहीं संसार में कितने दुख हैं, कितने कष्ट हैं, कुछ तो मांगो। बोले नहीं प्रभु, आपके भक्तों के बीच में बैठकर आपकी कथा सुनता रहूंगा, संसार के दुख मुझे स्पर्श नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं ऐसा कैसे? 5 साल का ध्रुव कहता है प्रभु आपकी कथा जो है संसार के जीवों को मतवाला बना देती है, आपकी कथा में ऐसी मादकता है, क्या कहूं प्रभु, आपकी कथा में एक नशा है। ध्रुव महाराज अपनी स्तुति में 12 श्लोक में स्तुति करते हैं। छिपाछिद्र स्वामी कहते हैं ये 12 श्लोक 12 आदित्य की तरह बिल्कुल शास्त्र में प्रकाशित हो रहा है। तो ध्रुव ने कहा कि सत्संग में बैठकर आपकी कथा सुनता रहूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने कहा लेकिन दुख? बोले प्रभु दुख नहीं होगा, क्योंकि आपकी कथा जब सुनते हैं तो आपकी कथा में एक नशा है। भक्त संसार में अनेकों वस्तु ऐसी हैं जिसमें नशा होता है।
और एक बार मुंबई में मैं एक जगह पर प्रवचन कर रहा था, तो प्रवचन के बाद हमारे भक्त मुझे इंट्रोड्यूस करा रहे थे, बोले ये आदमी हैं और प्रवचन में प्रथम बार आए हैं और मैकडोवेल शराब बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। तो मैंने कहा आइए मुझे आपसे बात है, आपका काम है। मैंने कहा बताइए शराब कितने रुपये की मिलती है, क्योंकि मैंने कभी शराब पी ही नहीं है और ऐसा कोई अनुभव भी नहीं था, और शास्त्र में शराब और नशा बहुत बहुत बार आता है, तो मैं जानना चाहता था उसे। मैंने कहा आप मैकडोवेल में काम करते बताइए शराब कितने रुपये की मिलते हैं। वो कहते हैं प्रभु जी 5 रुपये से लेकर 5 लाख की बोतल मिलती है। मैंने कहा अंतर क्या है 5 रुपये वाली में और 5 लाख में। बोले प्रभु जितनी महंगी शराब होती है ना उतना ज़्यादा नशा चढ़ता है, और जब डेट एक्सपायर हो जाती है, जब शराब पुरानी हो जाती है, तब उसका रेट और बढ़ जाता है। मैंने कहा ठीक है ये शराब पीकर नशा कितने घंटे तक रहता है। तो कहता है 2 घंटा 4 घंटा 5 और अधिक बहुत महंगी शराब है तो 10 घंटा। मैंने कहा क्यों पीते हैं शराब लोग। तो कहते क्या करें प्रभु सब लोग परेशान हैं दुनिया में, चाहे रोडपति हो या करोड़पति। ये देखते ना संसार में आदमी को चारों ओर से दुख घेर लेते हैं। घर पे जाओ तो पत्नी दुखी करती है, बच्चे दुखी करते हैं, ऑफिस जाओ तो ऑफिस का मालिक दुखी करता है, टेलीफोन के बिल, दूध के बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सारे बिल आकर खड़े रहते हैं। अब आदमी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तब क्या करता है 2 बाटली मार देता है, एक बोतल मार देता है और फिर नशा चढ़ जाता है, सारा दुख भूल जाता है। मुंबई में किसी गटर के किनारे शराब के नशे में आदमी सोया हुआ है, लेकिन सोचता है मैं पूरी दुनिया का राजा हूं। शराब इसलिए पीते हैं ताकि जीवन में जो दुख है उस दुख को कुछ देर के लिए भूल जाए। इसलिए तो कहते हैं ना गम को भुलाने के लिए रम पीजिए, ऐसा एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि शराब पीने से हम हमारे दुखों को कितनी देर तक भूल पाएंगे, शराब का नशा कब तक रहता है 2 घंटा 5 घंटा, ज्यादा से ज्यादा शराब का नशा 10 घंटे तक रहता है, लेकिन भगवत कथा का नशा तो जीवन भर तक रहता है। भगवत कथा को यदि कोई आश्रित हो गया तो जीवन भर तक अपने दुखों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए धूर महाराज कहते हैं प्रभु आपकी कथा में मादकता एक नशा है, आपकी कथा जो सुनता है वह कभी भी दुखों का एहसास नहीं करता है। तो भक्तों समस्त दुखों से मुक्त कराने वाली, भगवान के चरणों में प्रेम प्रकट कराने वाली भगवान श्री कृष्ण की यह भागवत कथा श्रील प्रभुपाद की कृपा से पिछले 5 दिनों से हम श्रवण कर रहे हैं, आज 6th दिवस है। आइए देवी कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कर रही हैं। परसों एक बच्चा यहाँ पर आकर पूछा श्रुति माने क्या होता है, श्रुति नहीं स्तुति बोल रहा था मैं, स्तुति यहाँ के स्पीकर में इको ज़्यादा है इसलिए ठीक से शब्द नहीं सुनाई दे रहा होगा, स्तुति। तो देवी कुंती भगवान को स्तुति कर रही हैं, भगवान को प्रार्थना कर रही हैं, बहुत सुंदर स्तुति है देवी कुंती के द्वारा। गत सत्र में आप लोगों ने सुना प्रथम श्लोक में देवी कुंती ने कहा नमस्ये पुरुषं त्वात्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं अंतर्बहिरवस्थितं। देवी कुंती भगवान कृष्ण को नमस्कार कर रही है, कहती हैं कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूं क्योंकि आप ही पुरुष हो, आप ही आदि हो, आप प्रकृति से परे हो, आप प्रकृति के स्वामी हो। इतना ही नहीं कृष्ण आप इस संसार के अंदर भी रहते हो, आप बाहर भी रहते हो, अत्र तत्र सर्वत्र संसार के सब जगह पर आप रहते हो। जब इस प्रकार से देवी कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा
अंतर बहिर अवस्थितम अलक्षम सर्वभूतानाम। आप अंतर बहिर अंदर बाहर सब जगह पर रहते हो। तब मानो देवी कुंती को प्रश्न पूछा जाए, कृष्ण इस संसार में सब जगह पर रहते हैं, अंदर भी रहते हैं बाहर भी रहते हैं, और कल मैंने कहा था कृष्ण हमसे सबसे निकट रहते हैं। इस दुनिया में हमसे सबसे निकट रहने वाला कोई तत्व है तो वह है कृष्ण, वह है परमात्मा भगवान। परंतु जो सबसे निकट का तत्व है वही हमें दिख नहीं रहा, न दिख रहा है न उनका अनुभव हो रहा है। तो देवी कुंती को पूछा जाए कि यदि भगवान सब जगह पर हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते, वो दिख क्यों नहीं रहे हैं। तब देवी कुंती इसका उत्तर देती है, माया जवनिका छनम ज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ दशा नटो नाट्य दरो यथा नटो नाट्य दरो यथा। इस संसार में अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर भगवान होते हुए भी दिखाई क्यों नहीं देते, इसका कारण बताते हुए देवी कुंती कहती है माया। श्लोक का प्रथम शब्द है माया। कृष्ण संसार का जीव आपकी माया में फंसा हुआ है, इसलिए वे आपको देख नहीं पाता है। संसार के लोग माया में फंसे होने के कारण आपका दर्शन नहीं कर सकते, आपका अनुभव नहीं कर सकते। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतम। है अर्जुन, इस संसार के सब लोग मुझे देख नहीं पाते हैं, और उसमें जो मूढ़ है, मूढ़ोयम ना भी जानाति, संसार के लोग मुझे देख नहीं पाते क्योंकि संसार के लोग माया में फंसे हुए हैं। देवी कुंती दृष्टांत देती हैं किस प्रकार, तो कहते हैं जवनिकाच्छन्नम। जवनिका का अर्थ होता है पर्दा। कहते हैं संसार के लोगों के आंखों के आड़े माया का पर्दा आ चुका है। माया रूपी पर्दा होने के कारण आप होते हुए भी दिखाई नहीं देते हो। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान का विग्रह हमसे बहुत निकट है, परंतु बीच में यदि पर्दा आ जाए तो निकट होते हुए भी भगवान दिखाई नहीं देते। ठीक उसी प्रकार संसार में सब जगह पर भगवान है, परंतु भगवान और जीव के बीच में माया का पर्दा होने के कारण हम भगवान को देख नहीं सकते। तो मन में प्रश्न हो सकता है, तो हटा दो पर्दे को, पर्दा ही है ना, दीवार तो नहीं है, पर्दा है ना, हटा दो पर्दे को, देख लो भगवान को। परंतु भक्तों, संसार के पर्दे को हटाना आसान है, माया के पर्दे को हटाना आसान नहीं, मुश्किल। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। हे अर्जुन, ये माया जो है मेरी शक्ति है और देवी शक्ति है। इस माया से मुक्त होना, माया से पार होना, इस माया को समझना दुरत्यय है, दुरू है, कठिन है, मुश्किल है, बहुत कठिन है। बड़े बड़े लोग इस माया में फंसे हुए हैं, शिव जी, ब्रह्मा, इंद्र, बड़े बड़े लोग। अर्जुन, इस माया को समझना, माया से पार होना दुरूह है, कठिन है, लेकिन एक सरल उपाय है। भगवद गीता में कृष्ण एक सरल उपाय देते हैं माया से मुक्त होने का। कृष्ण कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, संसार में 2400 घंटा माया में फंसा हुआ जीव यदि मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है तो माया मेताम तरंती ते, तो उस माया से मुक्त हो जाता है और भगवान का तुरंत दर्शन कर सकता है। भगवान की शरण ग्रहण करने से माया से मुक्त हो जाता है जीव और भगवान का अनुभव कर सकता है, भगवान को देख सकता है। गीता में कृष्ण ने कहा माया से मुक्त होने का उपाय भगवान की शरण, क्योंकि भक्तों, कृष्ण सूर्य से माया है अंधकार। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है, और भक्तों, जहां पर सूर्य होता है वहां अंधकार का कोई प्रश्न ही नहीं।
सूर्य चाहे भी कि मैं अंधकार में प्रवेश हो जाऊं तो ये कभी हो नहीं सकता है, भगवान चाहे भी कि मैं माया से आवृत हो जाऊं तो ये हो नहीं सकता। अतः हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो माया से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार, जहां पर कृष्ण है वहां पर माया का कोई अधिकार नहीं। इसलिए कहते हैं कृष्ण की शरण ग्रहण करने से माया से मुक्त हो जाते हैं। तो कोई भक्त सुबह उठकर ठीक है कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे, भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के चरण को पकड़कर सो जाएगा, हो गया, चरण पकड़ लिए भगवान के। गीता में कृष्ण ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण ग्रहण करने का अर्थ है कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण से प्रेम करना। भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है? भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति। जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान को न देख सकते हैं न भगवान का अनुभव कर सकते हैं। रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है भक्तों, जब रावण जैसे असुरों का अत्याचार बढ़ने लगा तब सारे देवता मीटिंग किए, बोले अब भगवान की आवश्यकता है, जब तक भगवान स्वयं प्रकट नहीं होंगे तब तक पृथ्वी का भार दूर नहीं होगा, धर्म की स्थापना नहीं होगी है और हम सब देवताओं की आपत्ति दूर नहीं होगी। तो सारे देवता आपस में मिले और मीटिंग करने लगे भगवान को प्रकट करने के लिए क्या किया जाए। तो सभी देवता अपना अपना मंतव्य दे रहे थे, कुछ कह रहे थे एक काम करते हैं तपस्या करें। किसी देवता ने कहा एक काम करो यज्ञ करते हैं, किसी ने कहा ध्यान करते हैं। उस सभा में शिव जी बैठे थे, अवसर पाकर शिव जी ने अपना मंतव्य दिया। शिव जी ने कहा, रामायण में वर्णन है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। शिवजी ने अपना मंतव्य दिया उन सभी देवताओं को कि हे देवताओं, हरि जो है भगवान राम भगवान कृष्ण सभी जगह पर व्याप्त है, इसलिए तो उनका एक नाम है विष्णु। विष्णु का अर्थ है जो सभी जगह पर सभी समय पर व्याप्त, सर्वव्याप्त इति विष्णु। तो हरि सभी जगह पर व्याप्त है, भगवान सब जगह पर है, परंतु उस भगवान को, और एक बहुत सुंदर शब्द कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और समान रूप से व्याप्त है। ऐसा नहीं भगवान कृष्ण वृंदावन में 100 किलो के हैं तो मायापुर में 25 किलो के, अमेरिका में 5 किलो के, आपके मुंबई में 20 किलो के हैं, नहीं। शिव जी ने कहा सर्वत्र समाना, भगवान सभी जगह पर समान रूप से व्याप्त हैं, परंतु उस भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। सब जगह पर भगवान है परंतु उस भगवान को प्रकट करने के लिए प्रेम करना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बड़े बड़े संत महात्मा गण अपनी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाकर नित्य निरंतर भगवान का दर्शन करते रहते हैं। भगवान का दर्शन करने के लिए उनसे प्रेम करना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी। संसार में कई बार कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि भगवान है तो आप हमें दिखाओ, भगवान है तो दिखाओ। एक बार मुझे ऐसा आदमी मिल गया, आज से लगभग 10 साल पहले हम ऑफिस जाते थे तो मुंबई की लोकल ट्रेन तो आप जानते ही हैं, तो रोज ट्रेन से बोरीवली से चर्चगेट, चर्चगेट से बोरीवली 1 घंटे तक सफ़र करते थे। तो रोज मैं हाथ में जप माला लेकर ट्रेन में माला जप करता था,
एक आदमी रोज मुझे देखता है। एक दिन विरार की ट्रेन में मैं गेट के पास खड़ा था और खड़े खड़े हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा था, तो जो आदमी मुझे रोज घूर रहा था वो मेरे पास आया, कहा ये आप रोज क्या करते हो? पहले तो कुछ लोग समझे इसको फ्रैक्चर हो गया है, यहाँ तो ठीक है शहरों में, तो बोले एक साल से मैं देख रहा हूँ फ्रैक्चर तो नहीं है, ये है क्या? मैंने कहा मैं हरि नाम जप कर रहा हूँ। बोले क्या जप करते हो? ने हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र। बोले कृष्ण देखा है कभी कृष्ण को आपने? मैंने कहा नहीं देखा। बोले नहीं देखा? बोले नहीं। मैंने कहा कुछ लोग सपने में देखते, मुझे तो आज तक सपने में भी नहीं आया। बोले जिसको आपने कभी देखा नहीं, जिसके साथ आपने कभी बातचीत नहीं की और उसके ऊपर आपको इतना फेथ है, इतना विश्वास है कि आप रोज उनके नाम की माला जप करते हो, मैं नहीं मानता हूं कृष्ण है, मैं ये कृष्ण वरिष्ठ को नहीं मानता हूं, आप बस ऐसे जिसको मिले नहीं जिसको देखे नहीं, और क्या बताऊं उसे। प्रभुपाद की कृपा से मेरे मन में भी एक विचार आया, मैंने कहा ठीक है चलो आपकी बात मानता हूं। मैंने कहा हम दोनों ट्रेन में जा रहे हैं? बोले हाँ। बोले ट्रेन कैसे चल रही है? ट्रेन चलाने वाला कोई है? बोले हाँ है। मैंने उन्हीं की बात को उनको कही, मैंने कहा मैं नहीं मानता हूं ट्रेन चलाने वाला कोई है। उसने कहा नहीं प्रभु जी, देखो ट्रेन चलाने वाला इसलिए तो चल रही है, खड़ी रही है, खड़ी रह रही। मतलब मैं नहीं मानता हूं, यदि ट्रेन चलाने वाला कोई होता तो मुझे दिखता, जैसे उसने कहा तक कृष्ण है तो मुझे दिखाई देते, नहीं दिखाई देते। मैंने कहा ट्रेन चलाने वाला यदि कोई होता तो मुझे दिखता, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए ट्रेन चलाने वाला नहीं है। उसने कहा प्रभु जी अभी एक स्टेशन आएगा, आप स्टेशन पे उतरो और चलते चलते जब सारे डिब्बे पार करके इंजन तक पहुंचोगे तो आप देखना उसमें ट्रेन चलाने वाला कोई है। मैंने उसे इतना ही कहा कि तेरे साधारण आदमी को, एक शूद्र ड्राइवर को देखने के लिए ट्रेन से उतरकर इतने डिब्बे चलकर इंजन तक जाकर जाने की आवश्यकता है, एक साधारण आदमी को देखने के लिए मेहनत करने की जरूरत है तो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण को देखने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही घर बैठे दिखाई देंगे। एक साधारण आदमी को देखने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान को देखने के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं? अवश्य। बिना कुछ किए भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे दिखेंगे? ब्रह्मा जी भागवत के अष्टम स्कंध के छठे अध्याय में कहते हैं, यथाग्नि मेदस्य वृतम च गोषु भुवन्न अम्बु उद्यमने च वृत्तिम यथा मनुष्य अभियंति हित्वा गुणेशु भक्त्या कवयो वदन्ति। ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं, हम देखते हैं कि संसार में जो लकड़े हैं तो लकड़े में अग्नि ऑलरेडी है, अग्नि बाहर से लानी नहीं पड़ती, लकड़े में ही अग्नि है, लेकिन उस अग्नि को प्रकट करने के लिए कुछ मेहनत करनी होगी। माचिस हम देखते हैं ना, माचिस में दिया सली होती है तो दिया सली में ही अग्नि है, अग्नि किसी बाहर से प्रकट नहीं करनी पड़ती, लेकिन दिया सली में अग्नि को प्रकट करने के लिए उसे रगड़ना होगा, उसे घिसना होगा, कुछ मेहनत कुछ परिश्रम करना होगा। तो लकड़े में अग्नि है, उस अग्नि को प्रकट करने के लिए मेहनत करना होगा, जैसे भूमि में अन्न है उस अन्न को निकालने के लिए मेहनत करना होगा, गाय में दूध है उस दूध को निकालने के लिए मेहनत करना होगा, उसी प्रकार इस दुनिया में भगवान है उस भगवान को प्रकट करने के लिए मेहनत करना होगा, मेहनत करना होगा। और मेहनत भी कैसे? शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार। कुछ लोग मेहनत करते हैं इस देश में, तो अनेकों लोग चाहते हैं हमें भगवान मिले और मेहनत भी करते हैं, लेकिन भक्तों उनकी मेहनत जो है शास्त्रोक्त नहीं है, विधि के अनुसार नहीं। मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत भी होनी चाहिए और शास्त्रोक्त होनी चाहिए। जैसे मान लो किसी को कहा जाए कि इस भूमि में अन्न है, आप अन्न को निकाल दीजिए, तो भूमि वो खड्डा करने लगे, 10 फुट का खड्डा करे, महाराज अन्न तो नहीं है इसमें, वो अन्न मिलेगा लेकिन उसकी विधि है, उस भूमि में पहले बीज बोना होगा, उनका सिंचन करना होगा, तब जाके समय से धैर्य से वह फल की प्राप्ति होगी। जैसे गाय में दूध है, किसी को कहा जाए ये गाय है इसमें से दूध निकाल लो, तो कोई आदमी लंबी तलवार लेकर आए, गाय को काटे, देखे इसमें दूध तो नहीं है, आपने कहा इसमें दूध है, दूध तो नहीं, गाय में दूध है लेकिन उस दूध को निकालने की कुछ विधि है, उसे घास खिलाओ,
संध्या का समय होते ही बछड़े को उनके पास लेकर जाओ। गाय बछड़े को देखती है, अपना दूध थन में छोड़ती हैं और बछड़ा दूध पीता है, उसे साइड में करो और खुद पात्र भर लो। विधि ठीक उसी प्रकार इस संसार में भगवान है, उस भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी और विधि के अनुसार मेहनत करनी होगी। कई बार कुछ लोगों की कॉन्सेप्ट है, मन चंगा तो कथोटी में गंगा, ऐसे मंदिर जाने की, भजन करने की, साधना करने की क्या जरूरत, घर बैठे भगवान मिल जाएंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए मेहनत करनी होगी भक्तों, नो पेन नो गेन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी से, प्रभु कहे सनातन कृष्ण रतन धन, प्रभु कहे सनातन कृष्ण रतन धन, अनेक जतन मिला आय, अनेक जतन मिला आय। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, सनातन प्रभु कहे सनातन कृष्ण रतन धन, अनेक जतन ते मिलाए। कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए अनेकों जतन करने होंगे, बहुत मेहनत करनी होगी। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को रत्न धन कहा भक्तों, कृष्ण रूपी रत्न धन संसार के साधारण धन को प्राप्त करने के लिए आदमी कितनी मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक गधे और बैल की तरह मेहनत करता है, तब जाकर संसार का साधारण आदमी कमा पाता है। विचार कीजिए, कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी। भगवान है लेकिन उस भगवान को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी भक्तों। जब तक हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति छल छलाता प्रेम प्रकट नहीं होगा, तब तक श्याम सुंदर भगवान कृष्ण हमें प्राप्त नहीं होंगे। प्रेम होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, प्रेम अते प्रकट होई में जाना। तो भक्तों, भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम भक्ति और भक्ति रूपी मेहनत, क्या मेहनत होनी चाहिए, नवधा भक्ति, श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे, वंदन अर्चनम, नवदा भक्ति के द्वारा मेहनत परिश्रम करके भगवान को देख सकते हैं। कई बार संसार में लोग प्रश्न उठाते हैं, आप लोग भगवान को दिन में तीन तीन बार भोग लगाते हो, क्या भगवान खाते हैं? बस ऐसे ही भोग लगा देते हो, रोज शाम को कीर्तन करके शयन आरती करके भगवान को सुलाते हो, क्या भगवान सोते हैं? जब इस प्रकार से समाज में प्रश्न उठने लगते हैं, तब इस देश के संतों को गाना पड़ता है, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी जैसे उनको तुम खिलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा जैसे उनको तुम बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, एक बार मीराबाई की तरह प्रेम से, भाव से, भक्ति से बुलाकर तो देखो, अवश्य आएंगे। वो भगवान है, ईश्वर है, बस बुलाने की देरी है, और वो भी भाव से, प्रेम से। भक्तों, एक ग्वाला, एक ब्रज का, गांव का ग्वाला 100 200 500 गाय को लेकर वन में गाय चराने के लिए जाता है।
एक ग्वाला होता है और 500 गाय को चराने के लिए लेकर जाता है और गाय घास खाती रहती हैं, घूमते रहती हैं, और जब संध्या का समय होता है तब ग्वाला एक वृक्ष के नीचे खड़े रहकर गाय के नाम को पुकारता है, हे गंगा, हे यमुना, हे कारी, हे धोरी। जैसे ही गाय के नाम को बुलाता है, लेता है, तुरंत वह गाय दौड़कर उस ग्वाले के पास आ जाती है। मुझे आपसे इतना ही कहना है कि सृष्टि का साधारण पशु, एक पशु के नाम को हम उच्चारण करें और पशुओं को हम बुलाए तो वह तुरंत दौड़कर वह पशु आ जाता है। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण का नाम लेकर यदि हम पुकारेंगे तो क्या वे दौड़कर नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। द्रौपदी ने पुकारा, कृष्ण आए, गजेंद्र ने पुकारा, आए अजामिल, इन जिन जिन लोगों ने पुकारा भगवान अवश्य उनके पास आए, अवश्य आएंगे, दर्शन देंगे, परंतु प्रेम से, भाव से उनको पुकारना होगा, प्रेम से। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तो कहते हैं शबरी की तरह खिलाते नहीं, शबरी की तरह भाव से, प्रेम से एक बार खिलाकर तो देखो। प्रेम होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भगवान भावग्रही है, प्रेम से भगवान को कुछ भी दिया जाए भगवान ग्रहण कर लेते हैं। शबरी ने झूठे बेर खिलाए, झूठे बेर, शबरी का भाव था कि कहीं खट्टे बेर भगवान को न मिल जाए, कहीं सड़े हुए बेर न मिल जाए, तो शबरी झूठे बेर खाकर भगवान को दे रही थी और भगवान प्रेम से खा रहे थे। 60 साल की बुढ़िया दांत में ऐसा बेर काट कर यदि हमको दे, खा लीजिए प्रभु जी, खाएंगे? नहीं खाएंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी, हमारे प्रभु उस झूठे बेर को खा रहे थे भक्तों। क्यों? क्योंकि शबरी के उस बेर में प्रेम था, प्रेम था। और भक्तों, भगवान रामचंद्र ने वो प्रेम से बेर खाए, लक्ष्मण जी ने नहीं खाए। लक्ष्मण जी से कौन बुढ़िया के झूठे खाएंगे? वैसे उनको बुरा न लगे इसलिए हाथ में टिका तो लेते थे, लेकिन बेचारी शबरी का ध्यान जब टोकरी में जाता था दूसरा बेर लेने के, लक्ष्मण जी छुप कर से फेंक देते थे। इसलिए किसी संत के मुख से ये सुना है, पढ़ा नहीं है, लेकिन भाव बहुत सुंदर है भक्तों। रामायण में रावण का वध हो गया और भगवान राम, लक्ष्मण, सीता अयोध्या में वापस आए, भगवान राम अयोध्या के राजा भी बन गए, सब कुछ ठीक हो गया। एक दिन लक्ष्मण भगवान रामचंद्र के पास गए, प्रणाम किए, निवेदन किए, प्रभु कई दिनों से मेरे हृदय में एक प्रश्न मुझे सता रहा है। भगवान रामचंद्र ने कहा, लक्ष्मण, कहो लक्ष्मण, क्या प्रश्न है? बोले, प्रभु हम दोनों का जन्म एक ही पिता के घर पर हुआ। बोले, सही बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभु हमारी दोनों की पढ़ाई भी एक गुरुकुल में एक साथ हुई। बोले, ये भी सही है। बोले, प्रभु हम दोनों को एक ही दिन वनवास मिला। बोले, ये भी सही है। बोले, प्रभु वन में भी हम दोनों एक साथ रहे और वन से भी हम दोनों एक साथ वापस आए, हमारी शादी भी एक ही दिन हुई, जन्म एक घर पर हुआ, एक पिता के पुत्र, शादी भी एक घर पर, विद्या भी एक समय पर, एक स्थान पर, वनवास भी एक समय पर, प्रभु जीवन में ये सारी घटना हमारी समान हुई, एक घटना मेरे मन को खाई जा रही है, हमारे जीवन में सब कुछ समान रूप से हुआ, लेकिन मेघनाद का बाण मुझे ही क्यों लगा, आपको क्यों नहीं लगा? सब कुछ समान रूप से जब जीवन चल रहा था तो एक घटना ऐसी क्यों घट गई, मेघनाद का बाण मुझे ही लगा, आपको नहीं लगा? इसका कारण क्या है प्रभु? तब भगवान रामचंद्र ने कहा, लक्ष्मण, याद करो, सीता को खोजते खोजते हम पंपा सरोवर गए थे, वो भक्त शबरी की कुटिया में, याद है लखन? हाँ प्रभु, याद है। शबरी ने बहुत सुंदर स्वागत किया था, याद है लक्ष्मण? हाँ प्रभु। और उस समय शबरी ने बड़े भाव से बेर खिलाए थे, याद है लक्ष्मण? याद है। लेकिन प्रभु, वो झूठे बेर थे, मैंने नहीं खाए थे। शबरी ने भाव से, प्रेम से बेर दिए और उस बेर को मैंने खाया, और लक्ष्मण तुमने नहीं खाया, शबरी के बेर तुमने नहीं खाए, इसलिए मेघनाद का बाण तुम्हें लगा, अन्यथा वह बाण तुम्हें नहीं लगता।
क्योंकि उस समय तो तुमने शबरी के बेर नहीं खाए और वह बेर फेंक दिए, वह बेर नीचे गिरे और पर्वत में जाकर उनकी संजीवनी बूटी बनी, उस समय तो नहीं खाए। मेघनाथ का बाण लगा और हनुमान जी भारत में आए और उसी बेर से बनी हुई संजीवनी बूटी जब तुम्हें लगी तब तुम जीवित हुए। यदि बेर खा लिए होते तो मेघनाथ का बाण तुम्हें नहीं लगा होता। भक्त भक्त ये भाव है भक्तों का, भगवान को भाव से दी गई वस्तु ग्रहण करते हैं। इसलिए कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, शबरी की तरह खिलाकर तो देखो, कर्माबाई की तरह। कर्माबाई भगवान की परम शुद्ध भक्ता थी और भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी और भगवान जगन्नाथ अपना जगन्नाथ मंदिर 56 भोग ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ छाड़ कर कर्माबाई के घर पर जाकर वह खिचड़ी खाते थे। जगत प्रसिद्ध घटना है भक्तों, ये पूरे देश में सभी प्रांतों में कर्माबाई को सब लोग जानते हैं, परम भक्ता थी। और इस प्रकार से प्रतिदिन जगन्नाथ जी आते थे, खिचड़ी खाते थे, ये करते 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 कर्माबाई बूढ़ी हो गई। बुढ़ापे में तो आप जानते हैं जल्दी जगा भी नहीं जाता है, जाड़ा का दिन होता है, ठंड होती है, देरी हो गई और जगने में देरी हो गई और जगन्नाथ जी के आने का खिचड़ी खाने का समय हो गया तो देरी हो गई। कर्माबाई चूल्हे के ऊपर पात्र रख दिया, उसमें खिचड़ी का सारा सामान डाल दिया और खिचड़ी उबलने लगी और बिना स्नान किए ये खिचड़ी बना रही है और एक और खिचड़ी बन रही थी और दूसरी ओर कर्माबाई दातुन कर रही थी और दातुन के एक छोर से दांत घिस रही थी, दूसरे छोर से खिचड़ी हिला रही थी। दांत घिस रही थी, खिचड़ी हिला रही थी, दांत घिस रही थी, खिचड़ी हिला रही थी। भक्तों ऐसी खिचड़ी यदि हमको दी जाए खाएंगे? लेकिन इस कर्माबाई की खिचड़ी को खाने के लिए जगन्नाथ जी अपने 56 भोग ऐश्वर्य को छोड़कर दौड़कर कर्माबाई के घर पर आते थे, ऐसा वर्णन है इतिहास में। जिस दिन कर्माबाई की मृत्यु हो गई उस दिन जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ के विग्रह से आंसुओं की धारा होने लगी। समझ में नहीं आया जगन्नाथ जी क्यों रो रहे हैं, आखिर क्या कमी पड़ गई है। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरी भक्ता की मृत्यु हो गई है, आज के बाद मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। उस दिन से जगन्नाथ जी के मंदिर में कर्माबाई के नाम की खिचड़ी जगन्नाथ जी को आज तक खिलाई जाती है। ये है भक्तों, प्रेम होना चाहिए। भगवान खाते भी हैं, प्रेम से खिलाए तक। भगवान आते हैं, खाते नाचते हैं, प्रेम से नचाए। भगवान सोते हैं, प्रेम से सुलाए। प्रेम होना चाहिए। तो भक्तों ये माया शब्द के ऊपर ये व्याख्या चल रही है। आप सबको पता होगा कि माया में फंसा हुआ जीव भगवान को देख नहीं सकता। माया से मुक्त होने के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ है भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना। भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति करने से हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो लोग भगवान का भजन नहीं करते, माया में फंसे हुए हैं, वो भगवान को देख नहीं पाते। तो देवी कुंती आज ये अपने ऊपर ले रही हैं कि प्रभु हम माया में फंसे हुए जीव आपको देख नहीं पाते, आपको समझ नहीं पाते। तो कृष्ण आप माया जवनी का छन्नम, माया रूपी पर्दे से ढके हुए हो, अतः प्रभु संसार के लोग आपको देख नहीं पाते। तब मानो भगवान श्री कृष्ण कहे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, प्रश्न उठाते हैं, जब देवी कुंती ने कहा प्रभु आप माया से ढके हुए हो, माया के पर्दे से ढके हुए हो, तब भगवान कृष्ण कहते हैं अच्छा तो माता जी आपका कहना है कि माया ने मुझे ढक लिया है, मैं माया से ढका हुआ हूं, मैं माया से आवृत हूं, इसलिए आप लोग मुझे देख नहीं पाते। तब देवी कुंती कहती हैं प्रभु ये भी मेरी मूर्खता है, इसलिए कहते अज्ञ। माया जवनी काचनम अज्ञ, अज्ञ माने ये मेरा अज्ञान है, कृष्ण बोलने में शब्द में मेरी गलती हो रही है। एक्चुअली देवी कुंती कहना चाहती हैं
कि आकाश में सूर्य होता है और हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं और पृथ्वी पर खड़े खड़े सूर्य को देख सकते हैं, लेकिन यदि बीच में बादल आ जाए तो हम कहते हैं कि सूर्य को बादलों ने ढक लिया, इसलिए हम सूर्य को नहीं देख सकते। सूर्य को बादलों ने ढक लिया इसलिए हम सूर्य को नहीं देख सकते, परंतु तत्व से सूर्य को बादलों ने नहीं ढका, बादलों ने हमारी दृष्टि को ढका है। क्योंकि आप डिस्टेंस देखिए, हमसे बादल कितने दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन बादल से सूर्य कितना दूर है, बहुत दूर है। जैसे जैसे आप लोग बैठे हो, यहां पर हम बैठे हैं, और यदि मैं ऐसा कर दूं, बीच में यदि हाथ आ जाए, तो इसका अर्थ यह है कि हाथ ने मेरी दृष्टि को ढका है, न कि इस हाथ ने आप सबको ढक लिया। हाथ तो इतना छोटा है, इतना छोटा हाथ इतने हजारों लोगों को कैसे ढक सकता है? परंतु बोलने में, शब्द रचना में हम ऐसा कह देते हैं कि मेरे हाथ ने सबको ढक लिया। परंतु भक्तों, वास्तव में जब हम देखते हैं तो बादल के द्वारा सूर्य नहीं ढका जाता है, बादल के द्वारा हमारी दृष्टि ढक जाती है। इसलिए भगवान माया के कारण हमको नहीं दिखाई देते, ये माया भगवान को आवृत नहीं की है, माया से हम लोग आवृत हैं। हम सब लोग माया से आवृत होने के कारण, माया के द्वारा हमारी दृष्टि ढकी होने के कारण हम भगवान को नहीं देख सकते। शिपाचिदर स्वामी कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अज्ञ हूं। अज्ञ शब्द के ऊपर क्या ब्लिंक क्यों नहीं करता? अज्ञ शब्द के ऊपर कहते हैं कृष्ण, मैं अज्ञ हूं, मैं अबुद्ध हूं, मैं अज्ञानी हूं, और इसीलिए तो आपको नमस्कार कर रही हूं। नमः नमः नमः, सभी श्लोक में नमः। भक्तों, वही व्यक्ति नम्र होता है, वही व्यक्ति ठीक से नमस्कार और प्रणाम कर सकता है जो अपने आप को अज्ञ समझता है, अपने आप को मूर्ख समझता है। इसलिए जब भी हम भगवान के पास जाए या गुरु के पास जाए तो अपने आप को अज्ञ, अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए। प्रतिदिन हम गुरु पूजा करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखी गई प्रेम भक्ति चंद्रिका के श्लोकों को गाते हैं, तो इसमें नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, श्री गुरु करुणा सिंधु, गुरुदेव करुणा के सागर है। भगवान से भी अधिक कृपा गुरु में है, गुरु श्री गुरु करुणा सिंधु, गुरुदेव करुणा के सागर हैं, लेकिन ये करुणा किसके ऊपर बहती है? अधम जनार बंधु, जो अपने आप को अधम समझता है। तो जो अधम समझता है अपने आप को, उन पर गुरु की कृपा होती है। एक पिता के चार पुत्र होते हैं, तीन पुत्र के पास बहुत धन संपत्ति, बहुत ऐश्वर्य होता है, और चौथा पुत्र गरीब होता है। भले ये तीन पुत्र बुद्धिमान हैं, ऐश्वर्य है, धन है, सब कुछ है, लेकिन उस पिता का प्रेम, पिता का भाव, पिता का हृदय उस दरिद्र, उस गरीब पुत्र के प्रति ही झुकेगा। जो अधम है, जो नम्र है, उन्हीं के ऊपर गुरु और भगवान की कृपा होती है भक्तों। इसलिए देवी कुंती कहती, अज्ञ कृष्ण में अज्ञ हूं, मैं अधम हूं। शबरी ने भी कहा था, अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं अधम हूं। तो अधम, शिवाचिद्र स्वामी कहते हैं, मैं अधम हूं, मैं अज्ञ हूं, अतः कृष्ण आपको प्रणाम करती हूं। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर इस अज्ञ शब्द के ऊपर कहा, देवी कुंती कहती हैं, ये मेरा अज्ञान है, ये अज्ञान है कि मैं ऐसा समझती हूँ कि आप माया से ढके हुए हो। सत्य तो यह है कृष्ण, माया से हमारी दृष्टि ढकी हुई है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अज्ञ का अर्थ होता है अल्पज्ञानी। इस संसार में जो अल्पज्ञानी है वो भगवान को नहीं देख सकते, यहां तक भगवान उनके सामने प्रकट भी हो जाए, भगवान उनके सामने खड़े भी रह जाए, फिर भी वो भगवान को नहीं पहचान सकते। भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए, तो कई लोग ऐसे थे जो ब्रज में रहते थे, फिर भी भगवान को नहीं पहचान पाए। कंस क्या ब्रज 84 कोस के बाहर का आदमी था? कंस भी ब्रजवासी ही था, कंस भी मथुरा में रहने वाला था,
यज्ञासुर बकासुर त्रिनावर्त ये सब लोग मथुरा में रहते थे, भगवान के साथ भगवान के निकट रहते हुए भी भगवान को नहीं पहचान पाए, अज्ञ थे। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं संसार में जो व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाते हैं वो अज्ञ है। अज्ञ माने मूर्ख है, बुद्धिमान से बिल्कुल विपरीत। जो व्यक्ति भगवान को नहीं जान पाते हैं वही भगवान से विद्रोह करते हैं। प्रकट लीला में भगवान कृष्ण जब थे, कृष्ण होते हुए भी कंस आदि असुर कृष्ण को नहीं जान पाए और उन्होंने कृष्ण से विद्रोह किया। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कृष्ण को नहीं जान पाते हैं इसलिए कृष्ण का विरोध करते हैं, कृष्ण से विद्रोह करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग कृष्ण को नहीं जानकर कृष्ण का विद्रोह करते हैं उसे असुर कहा जाता है। भले मनुष्य का शरीर है, पैंट शर्ट पहनते हैं, लेकिन कृष्ण से विद्रोह है तो वह असुर है, प्रभुपाद का कहना। इसी के परपोर्ट में प्रभुपाद जी ने लिखा है वह असुर है, दिखने में मनुष्य है लेकिन कृष्ण के साथ विद्रोह करने वाला असुर और सबसे बड़ा मूर्ख है। देवी कुंती कहते हैं अज्ञ जो कृष्ण को नहीं जान सकता है वह अज्ञ है, वह मूर्ख है। इससे बिल्कुल विपरीत है बुद्धिमान। संसार में बुद्धिमान कौन? जो कृष्ण को पूर्ण रूप से जानता है। बुद्धिमान की डेफिनेशन क्या है, बुद्धिमान कौन है? श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में करभाजन ऋषि कहते हैं कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम सांगो पांगा स्त्रपार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति ही सुमेधस यजन्ति ही सुमेधस। मेधा का अर्थ होता है बुद्धिमान और सुमेधस प्रभुपाद ने वहां पर अर्थ किया महाबुद्धिमान। सुमेधस महाबुद्धिमान कौन है इस संसार में? कहते हैं यज्ञ संकीर्तन प्राय, इस संसार में जो कृष्ण को समझता है और कृष्ण को समझकर कलयुग में जो भगवान का नाम लेता है, कृष्ण के नाम का कीर्तन और कृष्ण के नाम का जाप करता है वही संसार में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम। कृष्ण का नाम लेने वाला, मैं अज्ञ शब्द के ऊपर कह रहा हूं भक्तों, अज्ञ जो कृष्ण को नहीं जानता है वह मूर्ख है और कृष्ण को जानने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा बुद्धिमान। इस संसार में नापा जाता है कि हमारे गांव में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन, हमारे शहर में बुद्धिमान कौन, तो लोग सोचते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, क्योंकि बुद्धिमान है तब तो इनके पास धन है। जिसके पास सबसे अधिक धन, अपनी बुद्धि से जो सबसे ज्यादा धन कमाया वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है भक्तों। लेकिन इस दुनिया में कितना ही धन कोई आदमी कमा ले उस धन से क्या खरीद सकता है? संसार की ही कोई नाशवंत और भौतिक वस्तु, ऐसी वस्तु जो एक न एक दिन नष्ट होने वाली है। लेकिन धन्य है भगवान कृष्ण के भक्त जो उन करोड़पति अरबपति धनी व्यक्ति से भी अधिक बुद्धिमान है जो मात्र अपने चमड़े की जीभ को हिलाकर लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण को अपने वश में कर लेते हैं। एक और समाज में जिसको बुद्धिमान कहा जाता है उनके पास इतना धन है उस धन से मात्र संसार की नाशवंत और भौतिक वस्तु ही खरीद सकते हैं और दूसरी ओर भक्त के पास कुछ नहीं, केवल अपने चमड़े की जीवा हिलाते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं और लक्ष्मीपति अखिल ब्रह्मांड नायक को अपने हाथों में बांध लेते हैं, लक्ष्मीपति को कृष्ण को अपने वश में कर लेते हैं। बताइए बुद्धिमान कौन है? सबसे बड़ा बुद्धिमान है जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। अतः भक्तों बुद्धिमान सबसे बड़ी बुद्धिमानी है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे, भगवान कृष्ण का नाम। प्राय इस संसार में लोग बस अपना पूरा जीवन धन कमाने के पीछे पड़े हैं, सोचते हैं हमारे पास बहुत धन आएगा हम बहुत सुखी हो जाएंगे। परंतु भक्तों और इसीलिए रात दिन धन कमाने की मेहनत
रात दिन बस प्लान करते रहते, मैं यहाँ कमाऊँ यहाँ कमाऊँ कमाऊँ कमाऊँ। लेकिन भक्तों भाग्य में जो लिखा है उससे अधिक कोई नहीं भोगत सकता है, भाग्य की रेखा से अधिक चाहे कितना हो धन हम कमा ले परंतु भाग्य से ज्यादा हम भोगत नहीं सकते हैं। भाग्य में जो लिखा है, हमारे भाग्य में लिखा है इतना सुख तो उतना ही मिलेगा चाहे कितना हो धन। कई बार कुछ लोग हमें घर पर भोजन के लिए बुलाते हैं, हमारे लिए 56 भोग बनाते हैं, ये स्वीट ये सब्जी ये ये ये, और घर का मालिक कोने में बैठे बैठे चना और मूंग खाते रहता है। हम कहते हैं आप भी लीजिए, बोले मुझे तो डायबिटीज है। करोड़ों की इमारत में रहता है जिसके पास धन की कोई कमी नहीं लेकिन बेचारा खा नहीं सकता है, बताइए क्या कर्म है क्या नसीब है। इतना गधे और बैल की तरफ पूरा जीवन मेहनत किया धन कमाने के लिए लेकिन जब धन उनके पास है तो न खा सकता है। लोग रात दिन धन के पीछे दौड़ते हैं, कमाएंगे कमाएंगे लेकिन कमा कर क्या करेंगे भक्तों। मैं सत्य कहता हूं जिसके पास बहुत धन होता है, मान लो 1000 पति करोड़पति बन जाए, रातों रात लॉटरी लग जाए, तो खाना तो उतना ही खाएगा। 5 रोटी खाता है तो 5 ही खाएगा, 50 खाएगा, खाना तो उतना ही खाएगा चाहे कितना हो धन मिल जाए, और कपड़ा भी उतना ही पहनेगा। मान लो करोड़ों रुपये किसी के पास अचानक आ जाए तो क्या 2-3 कुर्ता डालकर घूमता है, एक ही कुर्ता डालता है। खाना भी उतना है पहनना भी उतना है, और भक्तों जिनके पास बहुत धन करोड़ों रुपये होते वो जेब में लेकर थोड़ी ना घूमते हैं, वो तो बैंक में पड़े रहते हैं, स्टेट बैंक रिजर्व बैंक में पड़े रहते हैं, और सत्य कहें वो पैसे बैंक में ही पड़े रहते हैं, ये उठ जाता है, वो वहीं पर पड़े रहते हैं ये उठ जाता है। बस वो आदमी रोज सुबह बैंक का बैलेंस देकर खुश होता है कि मेरा बैंक बैलेंस में इतना है, बैंक बैलेंस में इतना है, वो वहीं पर रहता है ये उठ जाता है। केवल यह सोचकर ही खुश रहना है तो समझो सब भूमि गोपाल की सब हमारा है, सारी बैंक हमारी, फिर भी संतोष नहीं है भक्तों। और रात दिन मेहनत 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 सोचता है कि बस पैसे कमाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी, अज्ञ शब्द के ऊपर कह रहा, पैसा कमाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है भक्तों। बुद्धिमानी है भजन करना, कितना हूं मैं ये कह रहा था, कितना हूं धन कमा ले, भाग्य से अधिक तो कोई भोगत नहीं सकता, भोग है भोजन है लेकिन डायबिटीज है खा नहीं सकता। और जिसको डायबिटीज होती है ना उसे मीठा बहुत पसंद होता है, उसे रोकना पड़ता है, आपको डायबिटीज है इंजेक्शन लेंगे दिन में 3 बार लेंगे लेकिन मीठा अवश्य खाएंगे, जीवन भर तक बस मीठा चाहिए मीठा चाहिए। जब उसकी मृत्यु आए और मृत्यु के समय उसे पूछा जाए ना आपकी कोई अंतिम इच्छा, हाँ कोई यार मीठा खिला दो, एक रसगुल्ला डाल दो एक। अब गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम, मरते समय जिसका जो भाव होता है उसका दूसरा जन्म ऐसा बनता है। मरते मरते मीठा खाने का स्मरण किया है ना तो मरने के बाद स्त्री होगी तो चींटी बनेगी, पुरुष होगा तो मकोड़ा बनेगा, क्योंकि अंत मति सोगति, मरते समय जो मति रह गई वैसी गति मिलेगी। जानते माताओं का स्वभाव चींटी हो जैसा है, चींटी को आपने कभी देखा घर पर जब चलती है ना, चींटी को किचन में से रसोई घर में से तीसरे डिब्बे से शक्कर मिल गई तो एक शक्कर का दाना लेकर चलती हैं, और रास्ते में जितनी भी चींटी मिलती हैं उनको कहती जाती हैं बहन वहाँ पर नई दुकान खोली है सेल लगा है बहुत कम रेट में, साड़ी लेना भूलना मत, वो चींटी कहते जाते एक सेकंड के लिए खड़ी रहती है दूसरी चींटी के सामने और उसको उसको मैसेज देती है कि किचन में से तीसरे डब्बे से ये शक्कर लेकर आई हूँ बहन भूलना मत। ये भी देखा है, कहती है एक एक बहुत सीक्रेट बात कह रहे हूँ सखी किसी को कहना मत कहना मत, कहते कहते सैकड़ों को कह देती है। युधिष्ठिर महाराज का श्राप है ना, तो स्त्रियों का स्वभाव चींटियों जैसा है और पुरुषों का स्वभाव मकोड़े जैसा है। एक तो इसको कभी शक्कर का डिब्बा मिलता नहीं और मिल गया तो अकेले बैठा रहता है डिब्बे में अकेला होगा। तो मैं ये कह रहा था कि जीवन भर तक बस धन कमाओ मीठा खाने की आसक्ति, मरने के बाद मकोड़ा बना शक्कर के डिब्बे में, उसी अपने ही घर पर बनेगा।
सुबह सुबह उनके बेटे की बहू आई चाय बनाने के लिए, आंख ठीक से खुली नहीं, पानी गर्म रखा, चाय पत्ती डाली ससुर जी डिब्बे में। ससुर जी चिल्ला रहे, बेटा जरा संभल के, अभी आंख तो खुली है नहीं, चम्मच डाली अंदर ससुर जी चम्मच में। जीते जी ससुर जी को शांति और सुख नहीं लेने दिया, मरने के बाद कौन लेने देता है। गरम गरम पानी चम्मच डाली, ससुर जी को गरम गरम पानी में स्वाहा कर दी। ये हालत आज के बुद्धिमानों की, ये हालत है भक्तों। सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान, हम बहुत धन कमाते हैं, धन कमाकर क्या किया। और भक्तों हमारे इतिहास में बड़े बड़े राजाओं का अनुभव रहा, महाराज याति, महाराज पुरुरवा, उन्होंने कहा है कि संसार में किसी आदमी के पास कितना हूं धन आ जाए, कितना हूं ऐश्वर्य, कितनी हूं संपत्ति आ जाए, वो कभी सुखी नहीं हो सकता यदि संतुष्ट नहीं है। तो हम सुखी हो सकते हैं एकमात्र भगवान की भक्ति करने से। आजकल संसार के बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि से मेहनत करते हैं, कमाते हैं धन, और उस धन से क्या ले सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं। लेकिन एक भक्त भगवान का नाम लेता है और साक्षात भगवान को ही अपने वश में कर लेता है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधस, कृष्ण का नाम लेने वाला, कृष्ण की भक्ति करना करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षज अव्ययम् न लक्ष्य से मूढ दशा नटो नाट्य दरो यथा, नटो नाट्य दरो यथा। कृष्ण मैं तो अज्ञ हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, देवी कुंती यह कह रही है। ये उनकी नम्रता है भक्तों। मानो इस प्रकार से जब देवी कुंती ने कहा मैं अज्ञ हूं, तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि माते मैं आपके सामने खड़ा हूं फिर भी आपको दिखाई नहीं देता। मैं दुनिया के सामने खड़ा हूं, मैं दुनिया में सब जगह पर हूं फिर भी दुनिया के लोग मुझे देख नहीं पाते, मैं क्यों नहीं दिखाई देता हूं, इसका कारण क्या है। तब देवी कुंती कहती हैं अज्ञादोक्षज अव्ययम्। कृष्ण आप होते हुए भी दिखाई नहीं देते क्योंकि आप अधोक्षज हो। बहुत सुंदर, अधोक्षज। कृष्ण आप अधोक्षज हो, भगवान कृष्ण का एक नाम ही है अधोक्षज। भागवत में अनेकों बार अधोक्षज अधोक्षज यह शब्द आया है। कृष्ण को अधोक्षज क्यों कहते हैं, शिपाचिदर स्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए, उनका अनुभव करने के लिए हमारी ये जो इंद्रियां है ये इंद्रियां पीछे रह जाती है। अध का अर्थ है नीचे, अक्षज माने आंख। जिसको देखने के लिए हमारी आंख नीचे रह जाए, और भक्तों आंखों का उपलक्षण हमारी इंद्रिया, सारी इंद्रिया को ले लेना चाहिए। अर्थात जिसको देखने के लिए हमारी इंद्रिया नीचे रह जाए, दूसरे सरल शब्दों में यदि कर दूं तो जिनको भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है इसलिए उनको अधोक्षज कहते हैं। अध अक्षज भौतिक आंखों से, चर्म चक्षु से जिनको देखना असंभव है इसलिए उनको अधोक्षज कहते हैं। जिनको समझने के लिए, जिनको पकड़ने के लिए, जिनको देखने के लिए हमारी इंद्रियां पीछे रह जाती हैं, नीचे रह जाती हैं, इसलिए उस भगवान को, कृष्ण को अधोक्षज कहा जाता है। तो देवी कुंती कहती हैं कृष्ण कृष्ण आप अधोक्षज हो, अतः आपका कोई दोष नहीं है, दोष हमारा है। आप तो इस संसार में हो ही, आप तो प्रकट रूप से अत्र तत्र सर्वत्र सब जगह पर हो, लेकिन हमारी इंद्रियां कुछ ऐसी हैं कि आपको देखने में असमर्थ है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं
कि संसार में कई लोग आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि हम हमारी आंखों से देखेंगे तब मानेंगे। ये जो आप बोल रहे हैं इस पर विश्वास नहीं है, हम आंखों से देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तब मानेंगे। ये साइंटिस्ट लोग जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, वो अपनी इंद्रियों से एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर किसी निर्णय पर आते हैं और फिर उस चीज़ को मानते हैं। परंतु भक्तों, इंद्रियों से प्राप्त किया गया ज्ञान सदैव अपूर्ण होगा, क्योंकि हमारी इंद्रिया अपूर्ण है, हमारी इंद्रियों में बहुत प्रकार के दोष है। तो दोष रूपी इंद्रियों से प्राप्त किया गया ज्ञान भी दोष युक्त ही होगा। इस इंद्रियों में अनेकों प्रकार की कमी है भक्तों, कर्ण पाटव और धोखा देने की, धोखा खाने की प्रवृत्ति, मोहित होने की प्रवृत्ति, ये सब इंद्रियों में प्रवृत्ति है। तो हमारी इंद्रियों से भगवान को नहीं पकड़ा जा सकता है, क्योंकि भगवान चिन्मय है, भगवान आध्यात्मिक है और हमारी इंद्रियां भौतिक है। तो भौतिक तत्व से आध्यात्मिक तत्व को कैसे पकड़ा जा सकता है, भौतिक तत्व से आध्यात्मिक तत्व को कैसे देखा जा सकता है? इस संसार में तो हम देखते हैं कि भौतिक वस्तु से भौतिक को ही नहीं पकड़ा जा सकता, तो आध्यात्मिक वस्तु को कैसे पकड़ सकते हैं? तो अधोक्षज का अर्थ है जिसको देखने के लिए हमारी इंद्रियां पीछे रह जाए, क्योंकि इंद्रियां भौतिक है। तब यहां पर भक्तों के मन में एक प्रश्न हो सकता है, आप कहते हो भगवान अधोक्षज हैं, भौतिक इंद्रियों से भगवान दिखाई नहीं देंगे, तो इसका अर्थ है तो हमारी इंद्रियां तो भौतिक हैं, इसका अर्थ है कि जीवन भर तक हम भगवान को नहीं देख पाएंगे? नहीं भक्तों, देख पाएंगे। कैसे? हमारी इंद्रियां भौतिक हैं, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो जितने समय तक हम भगवान की शुद्ध पूर्ण भक्ति करते हैं उतने समय तक हमारी इंद्रियां भी आध्यात्मिक हो जाती हैं। जैसे लोहा होता है, लोहा लोहा है, लेकिन लोहे के नीचे आप किसी चुंबक को रख दीजिए, मैग्नेट को रख दीजिए, तो जब तक मैग्नेट लोहे के साथ है तब तक लोहा भी मैग्नेट बन जाता है। बात समझ में आ रही ना? वैसे हमारी इंद्रियां भौतिक हैं, लेकिन जब तक हम आध्यात्मिक विषय का संग करेंगे, अर्थात जब तक हम भक्ति करेंगे, तब तक हमारी इंद्रियां भी आध्यात्मिक हो जाएगी और उस समय आध्यात्मिक इंद्रियों से आध्यात्मिक भगवान को देख सकते हैं, आध्यात्मिक भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन भौतिक इंद्रियों से मात्र कुछ किए बिना बस घर बैठे बैठे चाहे कि हमें भगवान मिल जाए, भगवान दिख जाए, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान अधोक्षज है, अध अक्षज है, वे भौतिक नहीं, भगवान आध्यात्मिक है, भौतिक तत्व से उसे पकड़ा नहीं जा सकता है। तो देवी कुंती कहती हैं, माया जवनिका छन्नम अज्ञादोक्षज अव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य दरो यथा, नटो नाट्य दरो यथा। जब देवी कुंती ने कृष्ण को अधोक्षज कहा, कृष्ण आप तो अधोक्षज हैं, तब मानो कृष्ण देवी कुंती को कहे, ठीक है तो मां आप मुझ में भी दोष देख रही हो, है? आप मुझे अधोक्षज कह रहे हो, इसका अर्थ है कि ये मेरी कमी है कि मैं सबको दिखाई नहीं देता हूं, आप यही कह रहे हो ना? कि जो आदमी समझ में न आए, भगवान भौतिक इंद्रियों से समझ में नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो अधोक्षज है। तो संसार में, लोक में हम देखते ना कि जो आदमी समझ में नहीं आता है ना, वो पागल होते हैं। पागल की चेष्टा कोई नहीं समझ सकता। कोई आदमी कुछ मान लो मंदिर जा रहा है तो समझ सकते हैं कि मंदिर जा रहा है, भक्ति के लिए जा रहा है, कोई कहीं ऑफिस जा रहा है तो समझ सकते हैं, लेकिन पागल, पागल न जाने क्या क्या हरकत करता है, पागल की हरकत समझ में नहीं आती। तो जिस आदमी को हम समझ नहीं सकते, जो समझ में नहीं आते हैं, उसे तो पागल कहते हैं। तो देवी कुंती ने कृष्ण को अधोक्षज कहा, कहा कि कृष्ण आपको समझ पाना मुश्किल है, आप सबकी समझ में नहीं आते हो। कृष्ण ने कहा, ठीक है तो मैं पागल हूं,
आप मुझे यही कह रहे हो ना, मैं पागल हूँ, मजाक कर रहे हैं। तो बोले मैं पागल हूँ मतलब मैं गर्हित हूँ, मैं किसी को समझ में नहीं आता हूँ, यही कह रहे हो ना। तब देवी कुंती कहती हैं, अज्ञादोक्षज अव्ययम्। कृष्ण आप अदोक्षज हो, आप अव्यय हो। कौन कहता है कि आप साधारण व्यक्ति, आप अव्यय हो। अव्यय माने अविनाशी। अव्यय का अर्थ श्री प्रभुपाद कहते हैं अविनाशी। कृष्ण आप अविनाशी हो। मुझ जैसे लोग भले आपको नहीं देख पाए फिर भी आपकी हानि नहीं होती है। मेरे जैसे लोग आपको कृष्ण नहीं देख सकते, इसमें आपका कोई दोष नहीं, दोष हमारा है। मानो भगवान कहे कि मैं दिखाई नहीं देता हूं तो मेरा दोष है। देवी कुंती ने बहुत सुंदर अव्यय शब्द कहकर कुंती ने जताया कि ये दोष कृष्ण आपका नहीं है, ये हमारा दोष है कि हम आपको देख नहीं पाते। आप तो अव्ययी है, अव्यय माने अविनाशी। आपका तो कभी विनाश नहीं है, आप तो स्वतंत्र हो, सब जगह पर सर्वत्र हो, आप अविनाशी हो। अव्यय का अर्थ क्या हो गया? श्रील प्रभुपाद कहते हैं अविनाशी। अव्यय का अर्थ शिपा श्रीधर स्वामी कहते हैं अव्ययी अपरिग्न। अव्यय का अर्थ है अपरिग्न माने असीमित माने अनंत। शिवा श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देवी कुंती का भाव है कृष्ण आप अपरिग्न हो, असीमित हो, अर्थात आप किसी भी प्रकार से ढके हुए आप नहीं हो। ढके हुए तो हम लोग हैं, माया से ढके हुए हैं, अज्ञान से ढके हुए हैं, आप ढके हुए नहीं, ढके हुए तो हम हैं। आप तो अव्यय माने अपरिग्न हो, अपरिसीम हो, आप अनंत हो, ढके हुए तो हम लोग हैं। जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर कहा, अव्यय अर्थात जगत के साथ समाप्त होने वाले नहीं हो आप। कृष्ण ये संसार का समाप्ति हो जाती है, संसार नष्ट हो जाता है, छिपा जीव गोस्वामी कहते हैं, लेकिन आप अव्यय हो, आप कभी नष्ट नहीं हो सकते हो। आप तो पहले थे, अभी भी हो, और अनंत अनंत काल तक आप तो हो ही। अहम एवा समेवाग्रे, सृष्टि के प्रारंभ में भी आप हो, सृष्टि के बीच में भी आप हो, सृष्टि नष्ट हो जाएगी लेकिन फिर भी आप तो वैसे के वैसे ही बने रहोगे। अव्यय, आप अव्यय हो कृष्ण। तो इस प्रकार अधोक्षज हो और साथ ही साथ आप अव्यय हो। तब भगवान श्री कृष्ण देवी कुंती से कहते हैं कि देवी कुंती आपके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं जो जो काम कर रहा हूँ आपको दिखाई भी दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र को विलीन किया, ये सब कुछ आप देख रही हो, आप मेरे कार्य को भी जान रही हो, फिर भी आप अपने आप को अज्ञ कहकर क्यों अपनी निंदा कर रही हो। भगवान कृष्ण ने कुंती को कहा कि आप मुझे पूर्ण रूप से समझ रही हो, मुझे देख भी रही हो, फिर भी आप अपने आप को अज्ञ कहकर अपने आप की निंदा क्यों कर रही हो। तब देवी कुंती ने बहुत सुंदर कहा, कृष्ण कृष्ण मैं आपको देख तो रही हूं लेकिन देखते हुए भी नहीं देख रही हूं। बहुत बहुत गहरी बात है भक्तों। देवी कुंती में तो ये दोष नहीं है लेकिन हम लोगों के लिए कह रहे हैं कि न लक्ष्य से, न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा, नटो नाट्य धरो यथा। कुंती अपने लिए कह रही है लेकिन हमें देवी कुंती के लिए नहीं समझना है, कुंती को छोड़कर संसार के और हमारे लिए समझना है। देवी कुंती कहती है, कृष्ण आप दिखाए तो दे रहे हो लेकिन देखते हुए भी न लक्ष्य से। बहुत सुंदर शब्द है। आप मेरे सामने खड़े हो, दिखाई दे रहे हो लेकिन दिखते हुए भी मैं आपको देख नहीं रही हूं, न लक्ष्य से। भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आते हैं और लोगों के सामने प्रकट भी होते हैं, उस समय भी जिन जिन लोगों ने कृष्ण को देखा सब लोग नहीं समझ पाए। कैसे? देवी कुंती दृष्टांत देती है, नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कभी कभी हम कोई ऑडिटोरियम में जाते हैं और ऑडिटोरियम में सुंदर नृत्य होता है, डांस होता है,
डांस में भी भारतनाट्यम आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करते ना। तो भारतनाट्यम बहुत बहुत सुंदर कलाकार, बिल्कुल विशेषज्ञ कोई कलाकार ड्रेस पहनकर डांस कर रहा है। तो भारतनाट्यम का वह डांस करते हुए वे अपनी आंखों को हिलाते हैं, अपने हाथों को हिलाते, अपने पांव को, अपनी भ्रिकुटी से भी कुछ ना कुछ वो प्रदर्शित करते हैं, है ना। आंखों से, भ्रिकुटी से, हाथों से, पांव से, कमर से, इंद्रियों से वे बहुत कुछ कहना कह रहे हैं। संगीत का जो विशेषज्ञ है वह उनके सारे इशारे को, उनकी भाव भंगिमा को समझता है, लेकिन जो संगीत का ज्ञान नहीं, संगीत तत्व का, जो नृत्य तत्व का ज्ञान नहीं है, उसे तो यही दिख रहा है कि नाच हो रहा है, बहुत अच्छा नाच हो रहा है। कुछ लोग तो पक जाते हैं, ये क्या ऐसे ऐसे हिलते हैं। लेकिन जिसको अंदर ज्ञान है, उस संगीत नृत्य शास्त्र का जो ज्ञान है, वो तो बड़ा आनंद लेते हैं। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं ना। ठीक उसी प्रकार हे कृष्ण, आप इस पृथ्वी पर आते हो, इस पृथ्वी पर आकर आप अनेकों प्रकार की लीला करते हो। बाहर से तो दिखाई देता है, लेकिन उस लीला के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हो, ये समझ में नहीं आता है। इसलिए न लक्ष्य से दिखते हुए भी आप दिखाई नहीं देते हो। जैसे रंग मंच पर कोई कलाकार नृत्य कर रहा है तो हम केवल इतना समझ पाते कि नृत्य हो रहा है, लेकिन नृत्य के द्वारा वो क्या प्रदर्शित करना चाहता है वो तो तत्वज्ञ व्यक्ति ही जान सकता है। वैसे कृष्ण मैं आपको देख रही हूं, संसार के कुछ लोग आपको देख लेते हैं, लेकिन आपके तत्व को, आपके भाव को, आपके मूड को समझ नहीं पाते। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, जैसे कैसे देवी कुंती मानो कहती है, जैसे आपने पांडवों का पालन किया, आपने पांडवों की रक्षा की, आपने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं पांडवों की रक्षा करूंगा, फिर भी आप परमात्मा अश्वत्थामा के हृदय में बैठकर पांडवों के ऊपर बाण चलवाते हैं। एक ओर आप पांडवों की रक्षा करते हो और दूसरी ओर अश्वत्थामा के हृदय में बैठकर छह छह ब्रह्मास्त्र छुड़वाते हो। जब आपको पांडवों की रक्षा करनी थी तो अश्वत्थामा के हृदय में परमात्मा बैठकर क्यों प्रेरणा दिए कि उस पर बाण चलाओ। चलो ठीक है, अश्वत्थामा के द्वारा आपने छह छह ब्रह्मास्त्र छुड़वाए पांडवों को और परीक्षित को मारने के लिए, तो उसके बाद फिर पुनः आप प्रकट होते हो और ब्रह्मास्त्र से आप उनकी रक्षा कर लेते हो। अब आदमी आपको समझे कैसे, इसलिए आप बस केवल वो नृत्य कलाकार की तरह बाहर से नाच दिख रहा है, लेकिन नाच का जो तत्व है नहीं दिखाई दे रहा है। कहते हैं आप इस पृथ्वी पर आए, जो शिष्ट जन थे, जो सज्जन थे, आपने उनका पालन किया, आपका बस यही प्रयत्न रहा कृष्ण, आपका यही प्रयास रहा सज्जनों का पालन करना, सज्जनों की रक्षा करना। पितामह भीष्म से बड़े सज्जन इस दुनिया में कौन हो सकते हैं। सज्जनों का पालन करने के लिए आप प्रकट हुए, साधुओं की रक्षा करने के लिए, साधुओं को आनंद देने के लिए, तो पितामह भीष्म जैसे महाभागवत महासाधु को आपने रणभूमि में गिरा दिया, यहां तक कि उसको गिराने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, हाथ में चक्र उठा लिया और टूट पड़े पितामह भीष्म के ऊपर। समझ में नहीं आता है महाराज, आप क्या हो, क्या करना चाहते हो। द्रौपदी से प्रेम करते हो, द्रौपदी को कृष्णा कह के पुकारते हो, सुभद्रा को अपनी बहन मानते हो, द्रौपदी को भी बहन मानते हो, सुभद्रा को बहन मानते हो, और अपने ही बहन के लड़के अभिमन्यु को मरवा देते हो। बताओ, अपनी ही बहन सुभद्रा के लड़के को, अभिमन्यु को मरवा दिए, द्रौपदी के पांच पांच पुत्र को मरवा दिए। कृष्ण ऐसे दिखाई दे रहे हो, श्याम सुंदर स्वरूप है, पीताम्बर धारण है, लेकिन देखते हुए भी मैं आपको देख नहीं पा रही हूं। न लक्ष्य से मूड दृशा नटो नाट्य दरो, मूड दृशा अपने आपको मूड कह रही है। यदि मैं कह दूं कि कृष्ण मैं आपको देख रही हूं तो ये मेरी मूढ़ता है,
क्योंकि देख रही हूं आपके स्थूल शरीर को, परंतु आपके प्रभाव को, आपके तत्व को मैं देख नहीं पा रही हूं। न लक्ष्य से कृष्ण मैं लक्षित नहीं कर पा रही हूं, मैं नहीं लक्षित कर पा रही हूं, मैं नहीं जान पा रही हूं आपको। बहुत सुंदर शिवा जीव गोस्वामी ने एक सुंदर बात कही, माया जवनी काच्छन्नम, ये जो शब्द है ये उन लोगों के लिए है जिस समय भगवान कृष्ण प्रकट हुए, और प्रकट अवस्था में भी कृष्ण के साथ रहकर भी लोग कृष्ण को समझ नहीं पाए, कृष्ण के साथ रहकर भी। और अज्ञ अधोक्षज अव्ययम, ये उन लोगों के लिए भी हैं और आज के लोगों के लिए भी हैं। हम लोग अज्ञ है इसलिए अधोक्षज अव्ययी भगवान को देख नहीं पाते। तो इस प्रकार देवी कुंती कहती हैं, कृष्ण माया में फंसे हुए हैं हम लोग, संसार में जो जीव माया में फंसा हुआ है वो आपको देख नहीं पाता। आगे, जो माया में फंसा हुआ है वो तो आपको देख ही नहीं पाता, तथा परम हंसा नाम, आइए नेक्स्ट श्लोक। तथा, ये जो पिछला श्लोक और ये श्लोक दोनों जॉइंट है, इसलिए तथा शब्द से पिछले श्लोक को जॉइंट कनेक्शन कर रही है, इसलिए दोनों को एक ही श्लोक आप समझिए। माया जवनी काच्छन्नम ज्ञादोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्यम धरो यथा, माया में फंसे हुए लोग कृष्ण आपको समझ नहीं पाते। तथा, तथा माने उसी के साथ साथ, परम हंसा नाम, जो परम हंस हैं कृष्ण वो भी आपको जान नहीं पाते। परम हंस का अर्थ है जो सत असत का भेद जानते हैं, वे परम हंस भी आपको समझ नहीं पाते। मुनि नाम शिपा चिद्र स्वामी, मुनि न मुनय मननशिला, जो रात दिन आपका मनन करते हैं कृष्ण वो भी आपको समझ नहीं पाते हैं। अमल आत्मनाम, तपस्या कर करके अपने देह को शुद्ध कर चुके हैं, ऐसे अमल आत्मनाम भी आपको जान नहीं पाते कृष्ण। बड़े बड़े परमहंस आपको समझ नहीं पाते, बड़े बड़े मुनि आपको समझ नहीं पाते, बड़े बड़े अमल आत्मनाम आपको नहीं समझ पाते, तो कथम पश्ये मही स्त्रिय, मेरे जैसी अबला नारी आपको कैसे समझ सकती है। जब इतने बड़े बड़े लोग आपको नहीं जान सकते, तो जन्म से मैं नारी हूं, नारी का जन्म से स्वभाव ही होता है भौतिक चीजों में आसक्ति होती है, स्वाभाविक आसक्ति होती, गृहिणी की गृह में आसक्ति होती, इसलिए तो उसे गृहिणी कहते हैं और होनी चाहिए, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो कथम पश्ये मही स्त्रिय, मेरे जैसी एक अबला नारी, एक स्त्री आपको कथम पश्येम, कैसे देख सकती, कैसे समझ सकती है। देवी कुंती का तात्पर्य है कि कृष्ण मैं आपको नहीं समझ पा रही हूं, मैं आपको नहीं देख पा रही हूं, मैं क्या बोलूं, मैं आपको क्या स्तुति करूं, मैं आपको नहीं समझ पा रही हूं, इसलिए बोलने के लिए कुछ नहीं, बस करने के लिए एक ही चीज है और वो है नमस्कार। नमस्कार भक्त, तो इसकी व्याख्या करने जाए तो अब तो यही श्लोक में कथा समाप्त हो जाएगी, और मेरी इच्छा है कि कैसे भी करके स्तुति को पूर्ण करें, तो मैं अधिक व्याख्या न करते हुए मैं संक्षिप्त में ही आगे बढ़ रहा हूं। आप इतना ही समझिए, बड़े बड़े लोग तपस्या से भगवान को जाना नहीं जा सकता है, तपस्या से, कुछ लोग तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने की का प्रयास करते हैं, परंतु न च तपसा रहु गणेत तपसा न याति। जड़ भरत जी ने कहा, राजा रहुगण क्या तुम ये सोचते हो तपस्या करने से भगवान मिलेंगे? कभी नहीं, तपस्या से भगवान नहीं मिलते हैं। नहीं तो शास्त्र खोल कर देखिए, शोभरी ऋषि ने 60-60 हजार वर्ष तक तपस्या की थी यमुना के भीतर जाकर, और यमुना के भीतर में मछली का मैथुन देखा, बाहर आकर मान दाता की 50 कन्या के साथ, एक दो कन्या के साथ किया होता तो समझ में भी आता, 50 विवाह किया उस साधु ने। तपस्या से हृदय उतना शुद्ध नहीं हो सकता है, यज्ञ करने से हृदय उतना शुद्ध नहीं हो सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, न तथा यज्ञवान राजन पुयेत तप आदि भी, तथा कृष्णार्पितः प्राणा तत्तत् पुरुष निषेवया। तपस्या करने से, यज्ञ करने से, होम हवन करने से हृदय उतना पवित्र नहीं होता जितना भगवान का नाम लेने से पवित्र होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे, हरे राम,
राम राम हरे हरे। तो तपस्या करने से, यज्ञ करने से, होम हवन करने से हृदय उतना शुद्ध नहीं होता है। नहीं तो इतिहास खोल कर देखिए भक्तों, हिरण्याकश्यपु ने कितनी बड़ी तपस्या की, 36,500 वर्ष तक एक स्थान पर खड़ा रहा है? भागवत में वर्णन है ना, हिरण्यकशिपु राजन अजेय जरामरम आत्मानम प्रतिद्वंद एक राट व्यधित सत सतेपे मंदर द्रोण्याम तपह परम दारुणाम ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्टा शितावनी। मंदार पर्वत की तलटी में जाकर हिरण्यकशिपु अपने दो पांव के अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर, दोनों हाथ भुजाओं के ऊपर रखकर, दोनों दृष्टि नभ के ऊपर रखकर, बिना खाए बिना पिए 36,500 वर्ष तक खड़ा रहा। हमारे वैदिक इतिहास में हिरण्याकश्यपु से बड़ी तपस्या किसी की नहीं, लेकिन वह तपस्या ब्रह्मा के लिए थी। और इतनी बड़ी तपस्या करके भी हिरण्याकश्यपु का हृदय शुद्ध नहीं हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी बन गया, सबसे बड़ा टेररिस्ट। तपस्या करने वालों की यह हालत है भक्तों। रावण शिव जी का भगत था, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए दसों मस्तक यज्ञ कुंड में काट कर डाल दिए और शिव जी उन पर प्रसन्न भी हुए, आशीर्वाद वरदान भी दिया, लेकिन फिर भी इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद भी रावण का हृदय शुद्ध नहीं हुआ। भगवान की पत्नी का अपहरण करके आया, कंस दुर्गा देवी का भगत था। भक्तों, ये होम हवन यज्ञ तपस्या से हृदय उतना शुद्ध नहीं होता है जितना भगवान की भक्ति से शुद्ध होता है। ध्रुव को देखिए, ध्रुव महाराज का हृदय शुद्ध नहीं था, उनके हृदय में कामना थी, इच्छा थी, लेकिन भक्ति, 6 महीना भगवान की भक्ति किया, वह 5 साल का बालक हृदय शुद्ध हो गया। एक और हजारों हजारों वर्षों की तपस्या, फिर भी हृदय शुद्ध नहीं, और दूसरी ओर मात्र भगवान कृष्ण का नाम, तुरंत हृदय शुद्ध है। कल का इतिहास भक्तों, हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्म, भगवान का नाम जप, 3 लाख नाम जप, और उस मुसलमान ने कहा किसी वेश्या को जाओ और इनकी पवित्रता को भंग करो। हीराबाई, उस वेश्या ने कहा कि आप चिंता मत करो, तीसरे दिन वह हरिदास नहीं, वह हीरा दास बन जाएगा, हीरा का दास बन जाएगा। वो वैश्य आई हरिदास ठाकुर के पास, कहा आप मुझे स्पर्श करो, मेरा संग करो। हरिदास ठाकुर ने कहा मैं आपकी सारी इच्छा पूर्ण करूंगा, लेकिन मेरा व्रत है 3 लाख नाम जप करने के बाद भी ही कोई काम करता हूं, आप बैठो मेरा राह देखो। नाम जप करने लगे, ये तो 22 घंटा चलने वाला था, 7-8 घंटे में ही ये थक गई, सोचा मैं कल आऊंगी। वह वेश्या वह नर्तकी दूसरे दिन आई, वह बैठी, बोले मेरा नाम जप कंप्लीट होने दो, वह बैठी रही। 10-12 घंटा हुआ, बोले तीसरे दिन जाऊंगी। तीसरे दिन गई, हरिदास ठाकुर नाम जप कर रहे। 22 घंटा नाम जप करने के बाद हरिदास ठाकुर की जब आँख खुली, वेश्या जो हरिदास ठाकुर की पवित्रता को भंग करने के लिए आई थी, वही भक्त बनकर हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर गई। एक और इतनी बड़ी तपस्या, फिर भी हृदय शुद्ध नहीं, और दूसरी ओर भगवान का नाम जो ले रहा है वह तो पवित्र है, लेकिन उनको डिगाने वाला भी पवित्र हो जाता है। भगवान के नाम की इतनी महिमा, इसलिए तो न तथा यगवान राजन पुय तत्पादि भी तथा कृष्णार्पित प्राणा तत्त पुरुष निशेवया। कृष्ण का भजन, कृष्ण की भक्ति करने से, कृष्ण का नाम लेने से जितना हृदय शुद्ध होता है उतना अन्य किसी से नहीं होता। हमने तो भक्तों आंखों से देखा है, संसार में कुछ लोग अपने परिवार को छोड़ देते हैं, अपनी ऑफिस को छोड़ देते, धन को छोड़ देते, सब कुछ छोड़कर हरिद्वार चले जाते और हरिद्वार जाकर लाल कपड़े संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। सब कुछ छोड़ा, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, समाज छोड़ा, धन छोड़ा, ऑफिस छोड़ी, लेकिन हरिद्वार जाकर संन्यास भी लिया, लेकिन गांजा नहीं छोड़ पाए। बड़े बड़ा बड़ा दुख लगता है, हृदय में बहुत करुणा निकलती है भक्तों। पूरी दुनिया छोड़ी, संसार समाज सबको त्यागा, लाल कपड़े पहने सन्यासी बने, हरिद्वार में घूमते, रोज सुबह चाय की लाइन में खड़े रहते। क्यों क्यों 60-60 साल के बूढ़े हुए, फिर भी उनमें यह बुद्धि नहीं आई, और इस्कॉन में 5 साल के बालक को मिलकर कहिए बेटा चाय पियोगे, तुरंत कहेगा चाय नहीं पीनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि भगवान के नाम में ये ताकत है, कृष्ण की भक्ति में ये ताकत है। कृष्ण की भक्ति एक बालक भी करता है तो उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। तो देवी कुंती कहती हैं कि कृष्ण जो माया में फंसा हुआ है वो तो आपको समझ नहीं पाता, देख नहीं पाता। तथा परमहंसा नाम, परमहंस है वो भी आपको समझ नहीं पाता। मुनि नाम, मुनि भी नहीं समझ पाता। अमल आत्म नाम भी समझ नहीं पाता। तो कथम पश्ये महि स्त्रिय, तो मेरे जैसी नारी आपको कैसे समझेगी। देवी कुंती का कहना है कि कृष्ण मैं आपको नहीं जानती हूँ, मैं आपको नहीं समझती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये तो उनकी नम्रता है। वास्तव में ये सिद्धांत है, संसार में जो भगवान को जानता है ना वो कभी नहीं कहेगा कि मैं भगवान को जानता हूं। जो ज्ञानी होगा ना वो ज्ञानी कभी नहीं कहेगा कि मैं ज्ञानी हूं। और यदि कोई ऐसा दावा करे कि मैं ज्ञानी हूं, मैं गीता भागवत रामायण सब कुछ जानता हूं, समझो वह अज्ञानी है। क्योंकि महान व्यक्ति अपने मुख से कभी भी अपनी महानता प्रस्तुत नहीं करता है। बड़ा बड़ाई ना करे बड़ा न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। बड़ा व्यक्ति अपने मुख से कभी भी अपनी बड़ाई नहीं करता है। भक्तों, जो बड़ा भक्त होता है ना, जो शुद्ध भक्त होता है, वह कभी भी नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बहुत शुद्ध भक्त हूँ। भक्त वो तो यही समझता है कि मैं तो, मेरे में तो भक्ति भी की गंध भी नहीं है। प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध, सही माने मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध। जिनके हृदय में प्रेम और भक्ति है वह तो अपने आप को हीन समझता है, नीच समझता है। आज देवी कुंती हृदय से भगवान को समझ रही है, पूर्ण ज्ञान है, लेकिन फिर भी कहती मैं कुछ नहीं जानती। यही तो नम्रता है ना भक्तों, और हमारी गौड़ीय धारा का यही आभूषण है, यही आभूषण। इसी नम्रता से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, यदि किसी ने सभी वेदों का, शास्त्र का ज्ञान ग्रहण कर लिया, तो यदि हमारे मन में प्रश्न हो, ये सारे शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करने के बाद इसका सार, इसका फल क्या है? सभी शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करने का फल है नम्रता, नम्रता। भक्तों, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, और उससे भी बड़ा भाग्य है कि हम चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय धारा में हैं। बहुत बड़ा भाग्य है। हम देखते हैं, मैं तो सभी पूरी दुनिया में घूमता हूँ कथा के लिए, तो लोग लगे हुए हैं। कुछ लोग तो कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण की भक्ति भी करते हैं, लेकिन बेचारों के पास योग्य परंपरा नहीं है, योग्य धारा नहीं है। बस अपने मन से, अपनी बुद्धि से घसीटते रहते, मेहनत बहुत करते हैं। हो सकता है हमसे भी अधिक वो लोग मेहनत करते हैं, लेकिन क्या करें, हैं, गौड़ीय धारा नहीं है उनके पास। वक्त तो हम गौड़ीय धारा में हैं, और इस गौड़ीय धारा की बहुत बड़ी महिमा है। जिस कृष्ण को प्राप्त करना बहुत कठिन है, मुश्किल है, रूप गोस्वामी ने भक्ति सामृत सिंधु में कहा, सुदुर्लभा क्लेशाग्नि शुभदामोक्षो सांद्रानंद लघुताकृत सुदुर्लभा सांद्रानन विशेष आत्मा कृष्ण आकर्षणी से चा। कृष्ण को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ, बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे पुराणों में भी जिसको नैति नैति करके पुकारते हैं, जिसको अति दुर्लभ, परम दुर्लभ, दुर्लभ कह के जिसको गाते हैं, शेष दिनेश गणेश महेश सुर सेहु जाहि निरंतर गावे, नारद से शुक व्यास रहे पछिहारी पुनि तव पारन पावे। ये बड़े बड़े लोग जिस भगवान को प्राप्ति करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आज तक उस भगवान का पार नहीं पा पाए। जाहि अनादि अखंड अभेद, जो अनादि हैं, जो अखंड हैं, जो अभेद है, जो परम ईश्वर हैं, ऐसे भगवान को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। मधुसूदन सरस्वती ने जिसे योगी में दुर्लभ गति कहा गया, बड़े बड़े योगियों को, ध्यानियों को भी दुर्लभ है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को इसी जन्म में प्राप्त करने का पासवर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु ने दे दिया। अत्यंत दुर्लभ भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की चाबी जो है चैतन्य महाप्रभु ने इस गौड़ीय धारा में अपने भक्तों को प्रदान की। और भक्तों,
भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, सबसे जल्दी और अधिक प्रसन्न करने के लिए क्या करना होगा, श्रीमती राधा रानी से ज्यादा कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है। श्रीमती राधा रानी जो कृष्ण की परम प्रिया है, मात्र देह दूसरा है प्राण एक है, ऐसी श्रीमती राधा रानी ही चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को प्राप्त करने का पासवर्ड दे दिया, एक चाबी दे दी। आप कहोगे वो पासवर्ड क्या है? वो पासवर्ड है नम्रता। नम्रता जो है वो पासवर्ड है। ये हरि नाम जप कर, भागवत पढ़कर, सेवा करके, भक्ति करके आखिर जीवन में डेवलप क्या करना है, वो है नम्रता। चाहे कितनी हूं साधना है, कितनी हूं भक्ति है, नम्रता नहीं है, है? तो आदमी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। नम्रता होनी चाहिए। और भक्तों, जो वास्तव में भक्त होता है ना, जिसके हृदय में शुद्ध भक्ति होती है, उसे नम्रता डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह नम्र बन जाता है, बन जाता है। आपने देखा होगा जिस वृक्ष की डाली के ऊपर फल लगता है, जिस डाली पर फल लगता है वह डाली झुक जाती है। ठीक उसी प्रकार जिसके हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी फल लगा है, कृष्ण प्रेम रूपी फल लगा है, वह भक्त झुक जाता है, भक्त नम्र बन जाता है। ये नम्रता है देवी कुंती की। कथम पश्येम हि स्त्रिय, मैं कैसे समझ पाऊंगी आपको, नम्रता है। तो नम्रता होनी चाहिए भक्तों। बताइए हम इतनी माला जाप करके भगवान हमको अपने धाम में बुला लेंगे? नहीं, भगवान देखेंगे ये नम्र है, ये अपने आप को हीन समझ रहा है, नीच समझ रहा है, तब भगवान अपने धाम में हमको प्रवेश देंगे। नम्रता होनी चाहिए। तो देवी कुंती अपनी नम्रता प्रस्तुत करते हुए कहती हैं, कृष्ण मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ, मैं आपको कैसे जान सकती हूँ। कई बार गौड़ीय भक्त बड़े नम्र होते हैं लेकिन बाहर के लोग समझ नहीं पाते। एक बार ऐसा ही हुआ, मैं एक किसी की कथा सुनने गया था, हमारे इस्कॉन के ही कोई भक्त थे, कथा कर रहे थे और बहुत अच्छे से अपनी नम्रता व्यक्त कर रहे थे कि मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ और यहाँ पर कथा करने आया हूँ। तो मेरे बाजू में कोई नया आदमी था, बोले इसको किसने बिठा दिया, ये बेचारा बोल रहा है कुछ नहीं जानता है, ये कुछ बोलना नहीं जानते, तो यहाँ बिठाया किसने इसको। फिर मैंने उनको समझाया ये नम्रता है। तो नम्रता। हम पश्चिम स्त्री, हे कृष्ण मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ, कैसे जान सकती हूँ। देवी कुंती कहना चाहती है, कृष्ण मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, बस मुझे तो थोड़ा थोड़ा कुछ पता है, मैं बस इतना ही जानती हूँ। देवी कुंती कहती है ना, इतना ही जानती हूँ, इतने में देखो कितना हो जाएगा। कहती मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन कुंती अब जो तत्व खोलने जा रही है ना, बड़े बड़े पुरुष भी इस तत्व को नहीं खोल पाए। देवी कुंती कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। कदम पश्चिम ही स्त्रिय, मैं कैसे आपको समझ सकती हूँ, इसलिए मेरे पास तो मात्र एक ही चीज बची है और वो है नमस्कार, आपको प्रणाम करना। नमः नमः नमः, इस श्लोक में नमः नमः कह रही है और नमो नमः लास्ट में दो बार नमः नमः है ना। संस्कृत के किसी भी श्लोक में दो बार नमः नमः होता है, इसका अर्थ है बारंबार नमः, बारंबार प्रणाम। कृष्ण में कुछ नहीं जानती, बस मैं तो इतना ही जानती हूँ, देखो इतना इतना कह के कितना खुल रहा है, आप देखेंगे। मैं तो मात्र इतना ही जानती हूँ कि आप गोलोक विहारी, गोलोक धाम में रहने वाले सर्वोपरि सर्व अवतारी स्वयं साक्षात भगवान हो और आपका नाम है कृष्ण। इसलिए प्रथम कहती है कृष्णाय नमः, कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ये नमः शब्द सबके साथ लगेगा,
कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देवी कुंती ने कहा आपका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ उपनिषद में लिखा है कृषि भूवाचक अणच निवृत्ति वाचक तैयर एक पर ब्रह्म कृष्ण अपि अभिधीयते। कृष्ण शब्द जो है उसमें दो शब्द संधि विच्छेद करेंगे, उसमें संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें दो शब्द हैं, एक है कृषि और एक है अण। कृषि का अर्थ है उत्पन्न होना और अण का अर्थ है आनंद। कृषि माने उत्पन्न होना, अण माने आनंद, जिसमें से रात दिन 2400 घंटा आनंद ही आनंद उत्पन्न होता रहे उसे कृष्ण कहा जाता है। आनंद घन स्वरूप है, जो आनंद की मूर्ति है, जो आनंद से ही बने हैं वो है कृष्ण। तो आनंद आनंद ही आनंद लगा हुआ है। 11.5 लाख वर्ष पूर्व राजा दशरथ के वहां भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ, तब वशिष्ठ जी ने कहा जो आनंद सिंधु सुख राशि, ये आनंद आपका पुत्र दशरथ जी आनंद का समुद्र है, इसकी एक बूंद इस ब्रह्मांड में आई जिससे संसार के लोग सुख का अनुभव कर रहे हैं। अब बताइए एक बूंद से ब्रह्मांड सुखी होता है तो वह तो पूरे आनंद के समुद्र है। और 5000 वर्ष पूर्व नंद बाबा के वहां जब कृष्ण का जन्म हुआ तब ब्रजवासियों ने गाया नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ठीक है हमारे पास साज समाज नहीं है, नहीं तो हम बहुत गाते हैं, परंतु अब इसी में आप संतुष्ट रहिए। 5000 वर्ष पहले जब कृष्ण का जन्म हुआ तो ब्रजवासियों ने गाया नंद के घेर आनंद भयो। नंद के घर पर किसका जन्म हुआ? आनंद का जन्म हुआ भक्तों, साक्षात आनंद। हमारे घर पर भी बालकों का जन्म होता है लेकिन वह आनंद नहीं, वह रोते हुए का जन्म होता है, रोता हुआ आता है, लेकिन कृष्ण परम आनंदमय, परम प्रसन्न। आनंद में रहना यह भगवान का स्वाभाविक स्वरूप है। आप ऐसा मत समझिए किस कृष्ण को आनंद लेने के लिए कहीं बाहर से कुछ लेना पड़ता होगा, नहीं। आगे देवी कुंती कहते हैं आत्मरामाय शांताय केवलय पतये नमः, ये तो आत्मराम है, अपने आप में ही सुखी प्रसन्न है, परम प्रसन्न है कृष्ण। बाहर से आनंद लेने की जरूरत नहीं, बाहर से आनंद लेने की जरूरत तो हम लोगों को है। अच्छा भोजन करेंगे तब थोड़ा आनंद मिलेगा, अच्छे कपड़े पहनेंगे तब थोड़ा आनंद, अच्छा मोबाइल आएगा आनंद, पैसे आएगा आनंद। ये बाहर से आनंद लेने का काम तो हमारा है भक्त, और फिर भी बाहर से कितनी भी वस्तु ले रहे हैं फिर भी ये आदमी आनंद तो मिल ही नहीं रहा। पिछले दिनों शादियों की सीजन थी तो मैं गृहस्थ में जाना पड़ता है शादियों में, तो गया देखता था, फोटो खींचने वाले बेचारे थक जाते थे, स्माइल स्माइल स्माइल, लेकिन वो स्माइल करते ही नहीं, स्माइल करने जैसा कुछ है ही नहीं अंदर, आदमी इतना दुखी इतना परेशान। बाहर से वो कह रहा है कि थोड़ा स्माइल थोड़ा हंसो, वो जितना स्माइल बोलता है ये इतना गंभीर होता है। फोटो खींच लेते हैं, एल्बम जब घर पर आता है तो फोटो वाले के साथ झगड़ा करते, तुमको फोटो खींचने ही नहीं आता, तुमको हंसने नहीं आता है। सच तो ये आनंद, आनंद में रहना ये भगवान का स्वाभाविक स्वरूप है भक्तों। इसलिए यदि संसार के दुखी जीव को आनंदित होना है, सुख चाहिए, तो कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। कई बार संसार के कुछ दुखी लोग दुखी होकर साधारण आदमी के पास जाते हैं, लेकिन संसार का आदमी हमारा दुख दूर नहीं कर पाएगा। सूफी ने बहुत सुंदर लिखा इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोछेगा, जहां देखो उनका दामन भीगा लगेगा, जहां देखो उनका दामन भीगा लगेगा। इस संसार में हमारे हृदय में दुख है, आंखों में आंसू है, और किसी भी व्यक्ति के पास चले गए तो कौन है हमारे आंसुओं को दूर करेगा, क्योंकि जिन जिन के पास जाएंगे सबके दामन भीगे हुए हैं, सबकी आंखों में आंसू भक्तों, दुनिया में सब लोग रो रहे हैं, चाहे राजा हो या रंक,
झोपड़ी में रहे या करोड़ों की इमारत में रहे, सब लोग रो रहे हैं। कृष्ण ने कहा दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ तो सब लोग दुखी, सब लोग रो रहे हैं। दुखों से यदि मुक्त होना है तो कृष्ण, जिसका अर्थ है परम आनंदमय स्वरूप, आनंदमय कृष्ण की शरण में जाएंगे तब जाकर हमारा दुख दूर होगा और परम आनंदमय हो जाएंगे। इसलिए देवी कुंती कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवा, कृष्ण में आपको नमस्कार। ये तो एक अर्थ हुआ भक्तों, कृष्ण शब्द की व्याख्या करने जाए ना तो 7 दिन की भागवत सप्ताह हो जाए। इनके इतने अर्थ हैं कृष्ण के। कृष्ण का और एक अर्थ है ऑल एट्रैक्टिव, सर्वाकर्षित, जो सबको आकर्षित करे हैं अपने रूप से, अपनी गुणा से, गुण से, अपनी लीला से, अपने माधुर्य से। कृष्ण, ऐसे कृष्ण में आपको प्रणाम करती हूँ। और कृष्ण का एक अर्थ है काला, काला कृष्ण माने काला, भगवान कृष्ण काले हैं, श्याम है, इसलिए उनको काले श्याम वर्ण के इसलिए कृष्ण कहते हैं। भक्तो कृष्ण श्याम थे ना तो जीवन में बहुत प्रॉब्लम होती थी। कई बार बलराम कृष्ण को चिढ़ाते थे, नंद गोरे यशोदा गोरे और तू काला कलूटा कहाँ से आ गया रे, तू काला कहाँ से आ गया, तू नंद और यशोदा का बेटा नहीं है। क्योंकि नंद भी पिता भी गोरे, माँ भी गोरी, तो बेटा तो गोरा होना चाहिए ना। नंद गोरे यशोदा गोरी और तू काला कलूटा, तू नंद यशोदा का बेटा नहीं, तुझे नंद और यशोदा कहीं से खरीद कर लाए। गोपिया भी कहती थी तो इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, हे काना हे कृष्ण तेरा रंग काला क्यों है। तब कृष्ण एक्सक्यूज बहाना देते थे, मैं काला नहीं हूं। बोले काला दिख रहा है तो, तब कृष्ण कहते थे क्या हूं ना, काली रात को मेरा जन्म हुआ, मैंने काली रात को जन्म लियो और काली गाय को दूध पियो, मेरी कमरी का रंग काला इसीलिए काला हूँ। मैं काला नहीं, तो काली रात को 12 बजे मेरा जन्म हुआ और क्या करूँ, मेरी माँ मुझे काली गाय का दूध पिलाती है। मैं कहता हूँ गोरी गाय का पिलाओ तो थोड़ा काली गाय का, फिर भी मैं काला नहीं हूँ। ये जो मेरा दुपट्टा है, मेरी कमरी, मेरी तो वाइट रंग की है, कृष्ण कहते थे ये काली रंग की कमरी है ना, इसका रिफ्लेक्शन काला आ रहा है। मैं काला नहीं हूँ गोपियों, मैं काला नहीं, ये काली कमरी का रिफ्लेक्शन काला आ रहा है इसलिए मैं काला। तब गोपिया कहते झूठ बोल रहा है तू, ब्रज में बहुत सुंदर भजन गाते, बोले तू झूठ बोल रहा है, ऐसे कमरी काली होने से कोई काला होता है। तब कृष्ण दूसरा एक्सक्यूज, दूसरा बहाना देते थे, बोले देखो मैं काला नहीं हूं, एक घटना हो गई। क्या घटना हुई कि यमुना नदी में काली नाग रहता था और यमुना काली है, काले पानी में थोड़ा स्नान किया ना इसलिए थोड़ा सा काला हो गए, 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। और उसमें भी काली नाग के ऊपर नृत्य किया, ये काला का संग किया ना एक दिन, इसलिए थोड़ा सा स्लाइट काला हो गया, बाकी मैं काला नहीं। बोले तू झूठ बोल रहा है। जब कृष्ण बार बार इस प्रकार से बहाने देते थे ना, तब कृष्ण क्रोध में आ जाते थे, कहते थे तू मुझे इतना काला कहते, मैं काला नहीं हूँ। बोले तू काला है, तब कृष्ण कहते मैं काला नहीं, तू काली, तेरी मटकी काली, तेरा मन काला, और तूने जो 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 चुंदड़ी पहनी है ना, ये घुंघटताना है ना, तेरी चुंदड़ी काली है, तो काली चुंदड़ी से जो तू देख रही ना इसलिए मैं काला लग रहा हूं। इस प्रकार से कृष्ण बहुत बहाने देते, जब गोपियां नहीं मानती तब कृष्ण अंत में कहते थे, कृष्ण अंत में कहते थे सखी नैनों में कजरा लगाती है और नैनों में मुझको बसाती है, तेरे कजरे का रंग काला इसीलिए काला हूँ। कृष्ण कृष्ण शब्द पर चल रहा है,
सखी मैं काला नहीं हूं, तुम लोग अपने घर से जब आती हो तो आंखों में काजल लगा कर आते हो, पूरी आंख काजल से भर कर आती हो, और फिर यहां पर आती हो, मुझे देखती हो तो घंटों भर तुम मुझे देखती रहती हो, तुम अपनी आंखों में मुझे बसा लेती हो और घंटों के बाद अपनी आंखों से मुझे छोड़ती हो, तुम्हारे काजल का रंग मेरे ऊपर लग गया इसलिए काला, अन्यथा मैं काला नहीं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण देवी कुंती कहती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय नमः, कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूं, आपका नाम कृष्ण है, कृष्ण आप साक्षात भगवान हो, इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो, और जब आप इस पृथ्वी पर आए तो मेरे भाई के पुत्र बनकर आए, कृष्ण आपने मेरे भाई को पिता बनने का सौभाग्य दिया, इसलिए देवी कुंती कहती है वासुदेवाय नमः, कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, आप मेरे भाई वसुदेव के पुत्र बनकर आए, कृष्ण आपने मेरे भाई वसुदेव को पिता बनने का सौभाग्य दिया, मैं आपको प्रणाम करती हूं। भक्तों आप विचार कीजिए, वसुदेव जी कितने धन्य होंगे, जहां जहां कृष्ण गए वहां पर वसुदेव जी का नाम विख्यात हुआ। आज भी जब कोई पुत्र कोई पराक्रम करता है, कोई अच्छा कार्य करता है, तो उसे पूछा जाता है, बेटा तुम्हारे पिता कौन है, स्कूल में कॉलेज में पासपोर्ट राशन कार्ड आधार कार्ड सब में पुत्र के पीछे पिता का नाम ही लगता है। जहाँ जहाँ कृष्ण गए उनके पिता वसुदेव जी का नाम लगा, वसुदेव जी को पिता बनने का सौभाग्य दिया भगवान कृष्ण ने। देवी कुंती कहती है, कृष्ण आप तो भगवान हो, इस पृथ्वी पर लीला करने के लिए आए, लेकिन आपने मेरे भाई वसुदेव को पिता बनने का सौभाग्य दिया, इसलिए वासुदेवाय नमः। लेकिन सच कहूं, आपने मेरे भाई को भी क्या सौभाग्य दिया, मेरे भाई के तो मात्र आप पुत्र कहलाए, मेरे भाई से भी अधिक सौभाग्य आपने मेरी भाभी देवकी को दिया, क्योंकि देवकी के गर्भ में नौ नौ महीने तक आप रहे, नौ नौ महीने तक आप देवकी के गर्भ में रहे कृष्ण, इसलिए कहती हैं देवकी नंदनायच, देवकी नंदनायच, आप देवकी के पुत्र में देवकी के गर्भ में नौ महीने तक रहे, आपने देवकी को आनंद दिया, इसलिए देवकी नंदनायच। और कृष्ण आपने मेरी भाभी देवकी को भी क्या आनंद दिया, देवकी के गर्भ में मात्र नौ महीने तक रहे, आपने देवकी से भी ज्यादा आनंद ब्रज में रहने वाले नंद बाबा को दिया, क्योंकि जन्म लेते ही आप ब्रज में नंद बाबा के घर पर चले गए, इसलिए कहती है नंद गोप कुमाराय, नंद गोप कुमाराय, मेरी भाभी देवकी से भी ज्यादा आनंद आपने नंद बाबा को दिया कृष्ण। और सच कहूं कृष्ण, नंद को भी क्या आनंद दिया, नंद के घर पर तो आप मात्र सोते थे, जैसे ही सुबह होती थी तो गोप ग्वाल सखाओं के साथ निकल जाते थे संध्या को घर पर, मात्र सोने के लिए नंद बाबा के घर पर रहते थे, बाकी वास्तविक आनंद तो ब्रज में रहने वाले गोप को दिया, ब्रज में रहने वाली गोपियों को दिया, ब्रज में रहने वाली गाय को दिया, इसलिए कहती है गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। देवी कुंती इस प्रकार भगवान गोविंद को कृष्ण को प्रणाम करती हैं, कृष्ण नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये, हे कमल सदृश नाभि वाले कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ। दुनिया की प्रथम ऐसी महिला जो भगवान को नाभि से प्रणाम कर रही है, आज तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जो भगवान को इस प्रकार से प्रणाम करे। कुछ लोग चरणों से प्रणाम करते हैं तो कुछ लोग मस्तक से प्रणाम करते हैं, लेकिन देवी कुंती कृष्ण को नाभि से प्रणाम करती है, नमः पंकज नाभाय, पंकज नाभाय, कमल जैसी नाभि वाले कृष्ण आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत सारे अर्थ भक्तों समय नहीं है, संक्षिप्त में ही मैं ये व्याख्या भी चलेगी।
कमल सदृश सुंदर नाभि वाले कृष्ण में आपको प्रणाम करती हूँ। दूसरा अर्थ, जिस नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मांड और ब्रह्मा प्रकट हुआ, उस नाभि को कृष्ण में आज प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज नाभाय कृष्ण, कमल सदृश नाभि वाले कृष्ण आपको प्रणाम। नमः पंकज मालिने, कमल की माला पहने हुए कृष्ण मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज नेत्राय, कमल जैसे सुंदर नेत्र वाले कृष्ण आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते पंकज आंग्रे, सुंदर कमल जैसे सुंदर कोमल और सुगंधित कमल को मैं प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार देवी कुंती प्रणाम करते जा रही हैं। यहां तक देवी कुंती ने प्रणाम किया, अब अगले श्लोक से देवी कुंती भगवान को नमस्कार करना बंद करती हैं और कृष्ण के द्वारा देवी कुंती के जीवन में जितनी जितनी कृपा की गई, देवी कुंती के जीवन में बहुत विपत्ति आई। भक्तों, एक ऐसी नारी है जिनके जीवन में बार बार विपत्ति, बार बार दुख आते रहे, लेकिन जितनी बार दुख आए उतनी बार भगवान कृष्ण प्रकट हुए और देवी कुंती के दुखों को दूर किया। आज देवी कुंती ये सारी कृष्ण की करुणा कृपा को याद करके कृष्ण को की कृपा का इजहार कर रही हैं। कृष्ण, आपने मुझ पर बहुत कृपा की है, बहुत कृपा की है, कब कब कृपा की, एक एक कृपा को गिना गिना कर कहती हैं कि विशान महाग्ने पुरुषाद अदर्शनात असत सभाया वनवास, एक एक प्रसंग को देवी कुंती गिनाती हैं। हम भी प्रयास करेंगे कल इन सारे प्रसंगों को विस्तार से आपके बीच में प्रस्तुत करें। आप सब भक्त अपना कीमती समय निकाल कर कथा श्रवण करने हेतु पधारे, आप सब भक्त का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।